टिटर स्पेस टुडे मैं सबसे पहले तो कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो हमें पेंडिंग थी एंड माई इनबॉक्स बॉक्स इज फाइलिंग अप उसको बार बार खाली करने के लिए एक एक रिप्लाई करने की बजाय ट्विटर स्पेस का क्योंकि इधर ऑडियंस ज़्यादा है और ज़्यादातर क्वेश्चन ट्विटर से ही आ रहे हैं तो मैं लाइव सेशन के थ्रू

यू गाइज अलिंग विद द इको सिस्टम वी आर नॉट एक्चुअली कॉलिंग इट विद द नेम वी आर गोइंग टू अनाउंस द नेम ऑफ दिस इको सिस्टम जिसमें हम नॉलेज uh, स्किल uh, और एट्रीब्यूट डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं अगले सौ सालों का प्लान इन शे के आ रहे हैं तो uh, उसकी ज़्यादातर कोश्चन जो हैं उसमें uh, दो तीन क्वालिफायर्स के सवाल उन्होंने पूछे हुए हैं कि क्या ये बड़ों के लिए है या बच्चों के लिए है? तो नहीं ये सब के लिए है बच्चों का अलग से एक सेटअप है और बड़ों का अलग से सेटअप है देर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन छः साल से कम का मैंने अभी नहीं लिया बिकॉज ऑनलाइन जूम पे होंगे क्लासेस सारी की सारी और इसमें और किसी और इंस्टीट्यूट uh, स्कूल और सिस्टम में फ़र्क यह है कि हम इसमें ज्यादा से ज़्यादा सिंगल फोकस के ऊपर जा रहे हैं सेल्फ लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और ग्रुप लर्निंग जो है हमारी वो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ की है ताकि जितनी जल्दी हो सके एफिशेंसी आ सके ना सिर्फ लिंग्विस्टिकली but uh, even uh, intellectually as well uh, so methodology that is the key why we are actually uh microphone is mute okay feed is live insta facebook pay or twitter so i'm going to be addressing twitter only today oh, and if i can uh, केटर द दूम क्लासरूम जो कि लाइव पार्टिसिपेंट्स का होता है हमारा उनको भी मैं केरियर करने की कोशिश करूंगा कोई रिव्यू uh, जो मैं दे दू uh, हमारे नंबर्स जो हैं जो जो टीम के पहले से पब्लिश हैं हम फेस फेसबुक के इस पेज के ऊपर और ट्विटर के ऊपर मैं अभी को नंबर्स पब्लिश करवा दूंगा फेसबुक के ऊपर पब्लिश अभी हो जाएंगे इसी सेशन के बीच में सो दैट यू कैन कॉल एंड इंक्वायर अबाउट हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम वाई आर वी ओपनिंग दिस होल स्कूल दिस सिस्टम दिस इंस्टिट्यूट दिस एको सिस्टम वो इसलिए क्योंकि uh, किसी को तो ये शुरू करना था काम uh, मेरी यंग uh, रेवोल्यूशन की एक एंट्री uh, uh, थी जिसके थ्रू हमने uh, एक खातून की कि जिन्होंने एनविजन किया था इसको शी इज द वन हुज़ बिहाइंड दिस शी इज दूर दिस नीड्स टू वर्क ऑन बिगर प्लेटफॉर्म एंड आई कुंडी अदर प्लेटफॉर्म बड़ी कोशिशें की थी कि हम हर एक से रुजू करें अभी करेंगे हम जारी है काफी लोगों ने सपोर्ट के लिए कहा हुआ है तो ग्लोबल मिशन क्या मिशन है कि मुसलमानों को इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर प्रिपेयर किया जाए फलसफा तरतीब दिया जाए लोगों को सोचना सिखाया जाए इन्फ्लुस बनाया जाए प्रॉपर इन्फ्लुस करेक्ट फैक्चुअल बात करने वाले मुसलमान और इंसान परवान चढ़े और आर्ग्यू करने वाले और एडवोकेट थ्रू एडोकेसी थ्रू फैक्ल डा एंड थ्रू लॉज एंड मोर अपीलिंग आर्ग्यूमेंट्स ये मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से शनाख्त करते हुए आ, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए अपने सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ फर्द को पहचाने अल्लाह के निज़ाम में पहचाने अल्लाह अल्ला की अल्लाह तला की निगाह में पहचाने अपने आप को ये हमारा काम था कि एक इमाम गजाली काफ़ी नहीं होता हमें कई लाख इमाम गजाली चाहिए हमें कई लाख अब्दुल्लाबिन अब्बास चाहिए हमें कई अली बिन अबी तालिब चाहिए जो कि अगले हज़ार साल दो हज़ार साल की वाली ज़मानत दे सकेंगे कि बहुत हो गई इन्फीरियर साइकोलॉजी में इंफीरियर रहना बहुत हो गया ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी खेलना वी आर गोइंग टू इन शाह कौन कौन करू आवर वे ऑफ लिविंग थ्रू आवर नॉलेज सेट थ्रू आवर स्किल सेट एंड थ्रू आर एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर जिसको हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं तो ये तीनों तीनों के कोर्सेज अलग अलग से तरतीब हो रहे हैं फैकल्टी रोज बढ़ रही है अलहमद वी आर गेटिंग वेरी सीरियस पीपल वेरी सीरियस पीपल इतनी मुझे रिच रेज रिसीव हो रही हैं कि मुझे खुद इंस्परेशन मिल रही है कि ये काम पहले शुरू होना चाहिए था और इसको हर जगह पर फैलाना जरूरी है ऑब्वियसली इज गोइंग टू कास्ट ऑफ सलाद हार्बर दिस फैकल्टी ये पूरी फैकल्टी को होस्ट करना फिर उनको इस चीज़ पे मजबूर करना कि कोई और काम ना करें फुल टाइम ये करें वी आर ट्राइंग टू कट एज मच कास्ट एज पॉसिबल कि जो स्टूडेंट्स uh, को ऊपर लोड ना आए तो जहाँ पे भी हम कॉस्टिंग कर कर सकेंगे हम कर रहे हैं उसको कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं वी आर स्टिल इन द प्रोसेस अभी तक हमने सिर्फ एक कॉस्टिंग की वजह से ही वेबसाइट और डेली की हुई है कि हमें थोड़ा सा डेटा और मिल जाए हम इस वक्त सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन और पाकिस्तानी डेटा के साथ खेल रहे हैं कि जितने लोगों ने इंटरेस्ट जो किया है तो उनकी क्या मीन वैल्यू क्या रखी जाए एवरेज uh, फिर uh, हमारी इंटरनेशनल फैकल्टी ज़्यादा है जो कि ट्रेन करने की कोशिश करेगी आप सबको जिस हमारी मैथडोलॉजी के ऊपर जिस मैथडलॉजी की बिना पे मैं इस स्कूल सिस्टम के ख़िलाफ़ था कि ये क्यों नहीं लॉजिकल ऑर्गेनिक तरीके से पढ़ाते हम वही कोशिश कर रहे हैं इवन दो वी आर गोइंग टू बी ऑनलाइन सो वी आर ट्राइंग बेस्ट कि आपको लिटरेचर को हदीस को कुरान को अरबी के उन इंफ्लुंसर्स को जो कि क्लासिकल इरा के स्कॉलर्स हैं साइंस को जिस तरीके से समझना है आपने द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिगेस्ट लेजिस्लेशन दैट कैन एवर कम टू दिस प्लान विच इज़ द कुरान उसको खुद समझने की कोशिश करें और उसी लेवल पे समझें इसके तीन कोर्सेज हैं आ, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री मगर इस वक्त हम लेवल वन और लेवल टू अनाउंस कर रहे हैं एक एक साल का कोर्स है इसके बाद लेवल टू के बाद यू शुड बी एबल टू टीच एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस दिस सिस्टम बिकम मेक अ ऑफ योर लाइफ और इस टॉर्च को आगे लेके चलें वी आर गोइंग टू सर्टिफाई लेवल पीपल सो दैट दे कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट अस ताकि मेरे या मेरी टीम के जब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे हम तो ये काम खत्म ना हो जाए सो वी आर इंस्टेंटली लुकिंग फॉर सक्सेस जो कि इस मिशन को आगे लेके चलें और उस इंटलेक्चुअल ऑफ इस्लाम को आइडेंटिटी ऑफ द साहबी को जिस तरीके से एक सहाबी सोचता था और जिस तरीके से दुनिया फतह करके उन्होंने आ, अपने इमोशनल इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इमोशनली बिहेवियर से अपने क्रिटिकली वैलिडेटेड रिव्यूज के थ्रू अपने फैक्चुअल डेटा की प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के थ्रू पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करके रखा हुआ था हम एग्जैक्ट ऑपोजिट साइकिल पर जा चुके हैं हम हमसे ज्यादा रिपल्सिव कोई लोग नहीं रहे हमारा कैरेक्टर जीरो हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल कोर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है वी आर द पीपल फॉर पुशिंग पीपल अवे फ्रॉम इस्लाम और हमारे सौ साल का अगर जायजा लिया गया जो कि मेरा गालिब गुमान है फिर स्तो ने इस तरह इरा वाइस कोटा तो लगाया होगा कि इस सौ साल में अचीवमेंट्स क्या हुई इस सौ साल में क्या हुई तो मेरे सौ साल में क्या हुई और ये मैं हदीस के थ्रू इस्तीदलाल कर रहा हूँ कि हर सौ साल के अंदर एक डस्टर ज़रूर आना जरूर होता है कि जो उस कोर के ऊपर से मट्टी झाड़ दे ताकि अगली नस्ल को पहचान अच्छी तरीके से हो सके कि इस्लाम क्या है तो हमें करना पड़ेगा वी हमारे सौ साल की कोई रजुमें बनी नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जो अगले दो हज़ार एक हज़ार एक अगले सौ साल की भी कोई ऐसी कोई वैल्यू स्टेटमेंट हमने वैल्यू क्रिएशन करके दी हो अगले बच्चों को कि वो ट्रू आइडेंटिटी ऑफ प्रोफेसर इसलम को uh, और साहबा को प्रैक्टिस कर सकें पहले सेंस कर सकें फिर फिर पूरी तरीके से रियलाइज़ कर सकें और फिर प्रैक्टिस कर सकें तो so, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मिशन को एज द ओनली पर्पज ऑफ आर लाइफ ले कर चलें और ऐसे ही टीम मेट्स मुझे मिलें जिनकी वजह से मुझे तकवीत मिली है एंड दिस हु इज रीडिंग दिस शो

कई तो लोग कहते हैं कि आप शुरु बच्चे शुरु कि options, ये शुरू हो गए कि इस्लाम इज वन ऑफ द मनी ऑप्शन ये हालात हो चुके हैं तो अगर ये हालात होंगे तो फिर अगले सौ सालों में तो फिर इस्लाम ऑफ़ दीशन इस्लाम इज नॉट द मनी ऑप्शन यू डू नॉट अंडरस्टैंड हुआ आप इस्लाम को वन ऑफ़ द मेनी ऑप्शन समझ रहे हैं आपको इस्लाम समझ नहीं आया फिर इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती इस्लाम इज दोस्ट ऑर्गेनिक Live life on this planet and prosper in the life which is going to come on some other planet, which is going to be right after this. So uh, abhi, uh, we are going to give you some some good news about how we're going to reduce the cost per student. Uh at uh, 18 courses listed, a uh, course subsequent or weekly courses, your daily courses, or linguistics, ke hai, especially starting with Arabic. So

Uh, my, uh, to your ecosystem, but, uh, my question is related to your ecosystem, but my question is related to your uh, <coughs> It is simply that when a person, especially from a new generation, that we are suffering from the, to the depression and LZD depression all from all this stuff, how to get a solution within the problem? As uh, we are feeling hopelessness and all these things uh, which makes us unable to think about Uh, anyway, uh, सबसे पहले तो याद रखिएगा डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है है असल में आपकी बॉडी का अलार्म है कि जो ऑर्गेनिक सिस्टम के ऊपर उसको बनाया गया था वो सिस्टम के अंदर इसको प्लेस करो वापस कहीं और प्लेस कर दिया आपने इसको ये डूइंग एल्स दिस बॉडी इज रिक्वायरिंग एल्स प्यास जैसे लगती है तो क्या कहते हैं जिसमें क्या कह रहा होता है कि

You need to understand that. क्या है सोल्यूशन उस पर हम बहस कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर और इसी को फलसफा कहते हैं मगर प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि जिस जगह से प्रॉब्लम आ रही है वेर द प्रॉब बिगेस्ट इंडिकेटर वेयर दोल्यूशन इज सो अंडरस्टैंड हाउ सिंपल द मैकेजम्स एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई के हॉस्पिटल जाके किस डिपार्टमेंट का रुख करना है जिस जिसम के उर्ज में मसला आएगा उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे आप सो so, महदे का मसला होगा तो गैस्ट्रो में जाएंगे अगर गुर्दे का मसला होगा तो नेफ्रोलॉजी में जाएंगे दिल का होगा तो कार्डियोलॉजी में जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से अगर कन्फ्यूजन का मसला होगा या डिप्रेशन का मसला होगा तो साइकोलॉजी में जाएंगे या फिर फिलासफी में जाएंगे ये भी तो डिपार्टमेंट्स हैं हमें मसला ये हो रहा है कि जो लोग हमें रिप्रजेंटेशन दे रहे हैं ना इस वक्त उन्होंने वो हक अदा नहीं कर सक रहे हैं फॉर सम रीजन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी एम नॉट एंटी एनी बारी मेरे दीन में मुझे नफरत करना मना किया गया है नफ़रत एक सोशल एंड इमोशनल डिजीज है इसकी कॉज जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है नफरत जब आप करते हैं लोगों से तो आपको बचपन में एक नफ्सियात की बीमारी लगाई गई होती सो अंडरस्टैंड हाउ हाउ यू आर गोइंग टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सरे कैसे लेंगे आप अपना एक्सरे खुद भी कर सकते हैं कि किस तरीके का मसला आ रहा है इफ़ यू थिंक यू कैन इवन फाइंड कि ट्रूथ क्या है ये सब चीज़ों में से सही क्या है तो मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ कि जो लोग ज्यादातर फॉलो कर रहे हैं तो असल में ट्रूथ किया अगर आपको ये आवाज आना शुरू हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि यू नो योर बॉडीज योर माइंड इज रेडी बॉडी को मैं माइंड को बॉडी में डाल रहा हूँ इस वक्त योर माइंड इज नाउ रेडी टू बेयर द लोड वो वजन उठाने के काबिल हो गया है कि चलें अब आप बताएं वरना ज्यादातर लोगों को तो मसला ही नहीं है ज्यादातर लोगों को तो ये मसला होता है कि मैं अकेला कैसे ऑड मैन आउट कैसे हो जाऊं जो लोग सब कर रहे हैं वही करते रहूं बस इसी में बका है मेरी और वही बीमारियां भी इनहेरिट करता है जो ज्यादातर जत्थे की बीमारियां होती हैं ठीक है स्टेटस को कहते हैं ना उसको सो so, ये ये बेसिकली शुरूर नहीं डेवलप हुआ होता बच्चों के लिए अल्लाह तला सेफ्टी मैकेानिज्म बनाया था कि ज्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो करिए है। बच्चों के लिए हुक्म था उन पर कोई सवाल जवाब भी नहीं थे ना इसी लिए ज्यादातर लोग करेंगे जो माँ बाप कर रहे हैं जो बहन भाई कर रहे हैं बच्चा वही कर रहा होता है बच जाता है ठीक मैकेानिज्म परफेक्ट मेकेानिज्म बट बड़ों के लिए नहीं है कि जो लोग सब कर रहे हैं वही मैं करूँ जो लक्ष जिस चीज को सब लोग सही समझ रहे हैं वो सही समझू इसको पैदर पैद तोड़ने के लिए अल्लाह ताली नबी भेजे जा रहे हैं हर फलसफी इसी चीज़ को आवाज़ देता है और हम फलसफी के की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ही चैलेंजेस चैलेंजेस द द द स्टेटस को ही थॉट ही चैलेंजेस द एक्शंस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट थॉट सो यू नीड टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको फिर बता दूं जितने भी मैं सेशन करता ना उसका अगर एक इलाज निकाला मतलब तमाम प्रॉब्लम्स को जो मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ उसका अगर एक इलाज बताऊँ तो वो फलसफा ही है कि अगर इस फिलासफी नहीं समझ आई आपका आपका, आपका माइंड सेट ही नहीं डेवलप किया गया आपको उन बड़े सवालों के जवाब ही नहीं मिले हुए तो फिर आप जितने मर्जी पैसे वाले हो जाएं जितने मर्जी बीवियों वाले बच्चों वाले जितने घरों वाले गाड़ियों वाले हो जाए जितने मर्जी पॉलिटिक्स वाले हो जाए जितने मर्जी ऑनर वाले हो जाए अंदर से आप आवाज़ें और आपको बीमारियां लगाई वो तकलीफ आती रहेगी और वो तकलीफ क्या होगी कि कि ये हॉलोनेस क्यों है इज इज समथिंग अपनी आ, जो है ना बॉडी खुद माइंड खुद बता रही होती है कि आप बेसिकली एक एक्टर हैं एक फेक हैं दिस इज नॉट द राइट आंसर इज समथिंग मिसिंग उसको हॉलोनेस कहते हैं और ये आवाजें हर एक को पंद्रह सोलह साल में आना शुरू होती है बेचारे को पता नहीं होता ये क्या है तो वो उसको हम टीन सिंड्रोम बोलते हैं ऐसा <laughs> कुछ टीन सिंड्रोम नहीं बॉडी खुद बताना शुरू करना बॉडी ने बारहवें तेरह चौदह साल में शुरू कर देती है ये मैकेनिज्म आपको आपको एहसास होना शुरू होता है कि कोई तजाद आ रहा है समथिंग विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग कहीं पे स्पाइक आ रही है ग्राफ में जो कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कॉन्फ्लिक्टो so, ये वाली बातें असल में जिन लोगों को नहीं समझ आ रही उनको बोरिंग बहुत लगती है और कहते हैं यार फलसफियान बातें उन लोगों के लिए ये बातें हैं भी नहीं फिक्र ना करें आप जिसम के किसी और हिस्से का इलाज करा लें ये वाला हिस्सा आपका भी बना नहीं और अगर बना है तो फिर आपको इसके बगैर कहीं चैन नहीं आने वाला और अगर ये चैन आ गया आपको और आपने सेटलमेंट कर ली तो पूरी दुनिया आपकी किताबें आ जानी है दुनिया सिर्फ किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट किताबें नहीं है दुनिया किसी भी इंजीनियर किसी भी बिलीनियर कीताबे नहीं है दुनिया भी किसी पॉलिटिशियन की ताबे भी नहीं है याद रखिएगा सब के सब मिला मलू लेते हैं जब पता चलता है कि एंड में कौन बता रहा है कि का का सही है क्या वो आपका यू नो दैट मुफक्कर होता है वो सोचने वाला होता है वो 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 तदब्बर करने वाला होता है बार बारे बार पाक में बोल रहे हैं फलाया केलून आफलाया केलून ये, ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि, कि गेम चल क्या रही फिर अल्लाह ताला बार बार जब लफ्ज़ बोलते हैं ना आया का आया आया का मतलब निशानी किसके लिए निशानी अल्लाह ताला हर दफा वही निशानी बता रहे हैं इस दिमाग के इस हिस्से के लिए जिसम के इस हिस्से के लिए निशानी दे रहा हूँ तुरे ताकि तू तु रास्ता देख ले पहुंच जा और हम बैठे हुए तीन सीरातल मुस्तकीम और नमाजें पूरी पढ़े रास्ता खुद बताएगा निशानियाँ बताए रास्ता सीधा कौन सा है यू नी टू अंडरस्टैंड फिजिक्स भी बताती है बायोजी भी बताती है केमिस्ट्री भी बताती है न्यूरो केमिस्ट्री भी बताती है यू नी टू अंडरस्टैंड हर चीज़ इल्म ताला ने कुराना पाक में ये नहीं कहा कि मोमिनीन से पूछो कहा उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं ताकि तुम्हें निशानी इंटरप्रेट करनी आ जाए हर जगह से इल्मो नबी शाह मोमिन की मिरासत जहाँ से भी मिले ले लो याद रखिएगा सो वी नीड टूट नॉलेज लाइक आप कहीं जाके आपको बच्चा चलेगा क्योंकि ओके निशानियां पढ़ते कैसे हैं सारी मैं आपको कई बता चुका हूँ और मैं आप रिपीट करता हूँ कुरने पाक असल में नफसियात की किताब है साइकोलॉजी की पी एच डी है कुरने पाक और इन तरह के और भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं मगर साइकोलॉजी की तो पूरी की पूरी सब किस जो इंटरप्रटेशन ऑफ हाउ ह्यूमन टू बिहेव हाउ हाउ दे गोइंग टू थिंक कैसे उन्होंने किया सारी कहानियाँ कॉमों की फिर अफरा की भी बताई कौमों की भी बताई इनफरादी भी इज्तमाही भी ताकि हम ये सीख सकें कि पहले भी ये मामला होते रहे हैं हम अपने आप को इंफरादी हैसियत वाली ना दें कि ये वाले वाकत तो पहले कभी हुए ही नहीं तो मेरे ऊपर कोई ऐसी इंटरप्रटेशन लगाओ कुरान पाक की कि जो मुनफरिद मेरे ऊपर कस्टमाइज की जाए कुरान पाक ने एक ब्लेटेंटली बता दिया कि आप बीच में आए हैं कहानी के भैया आप बीच में आए हैं कहानी आदमी से शुरू हुई हुई है, है। तुम्हें तो कोई ऐसा वाकया नहीं हो जा होना जो नया हो ऑल ऑफ दिस बॉडीज यू नो प्री डिस्पोज सब कुछ पहले से हो चुका हुआ है बार बार रिपीट साइकिल पे आ रहे हो तुम सब जो वो मैं तुम्हें निशानियाँ बता रहा हूँ वो मेरी ना एक बहस के दौरान एक बंदे ने पूछा अमेरिका में कि ये सारे के सारे कुरान पाक के जो अम्बिया हैं ये सारे साढ़े तीन हज़ार क्लो, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर क्यों है बाकी की दुनिया में कोई हिदायत की जरूरत नहीं थी ऐसा नहीं जिस तरीके की साइकोलॉजी अल्लाह ताला ने बाकी के लोगों को हिदायत के लिए देनी थी वो काफ़ी है इधर इधर के अंबिया के लिए इसलिए इधर के अंबिया की कहानी है और बाय द दे वे देयर इज नो वन वे टू तो फाइंड आउट कि सारे के सारे अंबिया इधर ही आए ओके ये सेंट्रलाइज डिस्पोजिशन जो है ना इसी के मैं खिलाफ हूँ बहुत गालिब गुमान है उलमा का भी एटलीस्ट मेरे स्कॉलर्स का और वो अरब के स्कॉलर्स हैं पाकिस्तानी देसी नहीं है कि हज़रत नूह भी गालिब गुमान है कि हिंद में होंजरत नूह भी तो स्कैटर्ड हैं सारे के सारे वी कैर जस्पी लाइक सो यू नो रज अबाउट द जोग्राफिकल प्लेसमेंट ऑफ द होल स्टोरीज बहरहाल कुरान पाक जब नफसियात की तालीम दे रहा होता है और बता रहा होता है कि निशानियाँ पढ़ इंसानों के हालात देख और फिर मेजर कर इंटरपलेट कर पैटर्न आइडेंटिफाई कर पैटर्न ड्रा कर तो आपको साफ समझ आ जानी चाहिए कि 99 मेरे साथ भी हो रही है वो, जो 1 आ रहा है, वो मेरा अपना ही बहाना है वो भी आ जाएगा लेवल पे प, लेवल पे ठीक है? और अगर सीरा जिसने पढ़ ली हो उसके बाद तो, तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा एटम बम था हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर था ऐसे कई एटम बम बं बन सकते थे कि कोई ऐसी चीज भी आप इमोशनल लेवल पे सोशल लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे हमारे पास सब सवालों के

फलसफियों को देखें या पोस्ट मॉडर्निज्म के खैर उनको तो मैं फलसफी नहीं कहता मगर हैं तो कोशिश तो कर रहे हैं कि प्री मॉडर्न ईरा के देखें आप एज एनलाइनमेंट के फलसफियों को देखें वर डॉक्यूमेंट वो उस वर्टिकल स्टिक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस स्टिक की मेक क्या है कि बिहेवियरल एट्रीब्यूट क्या होंगे फिर इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट क्या होंगे तब लीडर असा पकड़ के वापस आएगा सीधा खड़ा कैसे होगा हाउ इज गोइंग टू इरेक्ट हिमसेल्फ इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होगा कैरेक्टर के कौन से एलिमेंट्स हैं क्या काम है वो जो कभी भी नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा वो काम क्या काम है वो जो हमेशा करेगा चाहे वो तंगी में हो चाहे वो आसानी में हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो मसले में हो चाहे वो किसी मसले में ना हो कुछ ऐसे काम है वो जो कभी भी नहीं करेगा और कुछ ऐसे काम है जो हमेशा हंड्रेड परसेंट करेगा ये कैरेक्टर एलिमेंट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं एक जिसकी तालीम सीधा के थ्रू आई जा रही है आई जा रही आई जा रही मगर नहीं हमने उसको साइकोलॉजिकली देखना ही नहीं इसलिए पूरा कोर्स है छह महीने का कोर्स है जिसमें साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम का पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आई होप कि ये सीरा के थ्रू लोग पहले ही पढ़ चुके हुए हो ये सबसे छोटी क्लास होनी चाहिए मेरी क्या ये हमने आपने सीरा बताया था हमने आठ नौ सीरा की किताबें पकड़ी शमाइल की किताबें पकड़ी अरब स्कॉलर्स की पकड़ी एक सौ साल इस सौ साल की पकड़ी और क्लासिकल इरा के भी स्कॉलर्स की पकड़ी तब कहीं जाके पता चलेगा वो असा क्या है जो मूसा इस्लाम ने उठाई हुई है इजी और सलमान इस्लाम ने उठाई हुई है

एम्बिशियस किस्म की स्कोपिंग मुसलमान कर रहे थे कौन से लोग थे क्लासिकल ईरा के जो प्री क्लासिकल ईरा तो के के तालिब ने कहा आसमान के रास्ते दुनिया के रास्ते से ज्यादा आते हैं सोचें तो सही मैं कहां से क्यों ना निकालू फिजिक्स हमने कोर्स करने शुरू करने की कोशिश की हम एक्चुअली टॉकिंग टू टू पीपल जो कि एस्ट्रोफिजिक्स का बच्चों को एक्मेंट और सेंस देगा ताकि वो कुरान पाक के थ्रू उसको हम कुरान के थ्रू ही ट्यून करेंगे कि कौन सी आयतें जो कि डायरेक्ट सिर्फ कुरान पाक के एस्ट्रोफिजिक्स के थ्रू हमें समझ आ सकती हैं वन ऑफ द मेनी थिंग्स टू टू लुक एट क्या पता और भी कोई सब्जेक्ट्स बाद में इंट्रोड्यूस हो कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो कोई नया सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कवर होगी जैसे कुरान की आयतों के ऐसे ऐसे मतलब वाजे हो के सामने आ जाए अभी साइंस के थ्रू काफ़ी चीजें समझ आती हैं सुर वाक सुर तक सुर मार्ज फ इवन इवन सुरफा सुरफा ये मैं आपको बता रहा हूं ना जब आप लेंस बदलते हैं और अलग अलग लेंस लेके दे देखते हैं कुरान पाक अपने नए नए दरवाजे खोल रहा था आपके मगर हमें नहीं बस हमने बस वो हमने कोशिश नहीं करनी सो वी आर ट्राइंग टू वेक अप द मुस्लिम चाइल्ड के उस नींद में तुम्हें वो वाली गोली नहीं देंगे जो लेके मेरी अम्मा और अब्बा ने मुझे पाला था ओके तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन टू आर इनशा दिस इज दर्पज ऑफ माई 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 होल टीम दिस इज आपको पता होगा कि मुझे पेरेंटिंग के ऊपर बहुत पुश थी पिछले तीन महीने से पेरेंटिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो एप्लीकेशन के लिए और वो सब पॉज कर दिया होम स्कूलिंग ही करते सब पॉज कर दिया कि सबसे पहले मरने से पहले पहले, पहले ये कर लो विकॉर्डिंग करते रहेंगे जिंदगी हुई तो ये बहुत अर्जेंट है सबसे पहले एक फैकल्टी क्रिएट करो एक टीम क्रिएट करो ताकि साहिदीम के मरते ही एफरमेशन Uh, okay those could be uh, very high priority but not as critical as this one okay so it's uh, one of those things which are just uh, i hope i've answered the bigger part of your question you need to find out where your problem is and you'll find out that the solution was sitting right there of course you have to identify it बट इट इज़ इन द वेरी वसिनिटी और वेरी योर प्रॉब्लम इज़ कमिंग फ्राम इन दिस केस डिप्रेशन इन दिस केस कन्फ्यूजन ओके सो कन्फ्यूजन जिसको है वो फ़िलासफी को इस्लाम को समझे व कुराना पाक को समझे वो सहाबाग की साइकालोजी को समझे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त के दुनिया के ग्लोबल सिस्टम में तीन ही मोटे मोटे सिस्टम बता रहा हूँ जो कि अफेक्ट करें बाकी के तमाम इंसानों को आप किसी शक में तो ही ना फ्रांस का स्पेन का यूरोप का इंग्लैंड का सेंट्रल फिलोसॉफिकल जो लिटरेचर है वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है मेरे बच्चे भी वही पाल रहा है मैं सब कॉन्शियसली वाली राइट्स एंड रॉन्ग्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर दे रहा हूँ उनको ओके इतना अफेक्ट होता है एक फलसफी का जो पैदा हुआ था जर्मनी में और इस्लामाबाद में पैदा हुए चार बच्चे उसके किताबों पर लिखे अल्फाज के ऊपर पाल रहे हैं और पालने वाले को पता भी नहीं ना माँ को ना बाप को कि अफेक्ट कहाँ से आ रहा है इतनी बड़ी ताकत होती है कि इन्फ्लुएंसर में वो वाले हमें बच्चे चाहिए जो अगले हज़ार साल को इन्फ्लुएंस करेंगे और ले के आएंगे सिरातुल मुस सिरात मुस्तकीम तक इंशाल्लाह ओके सो लेट मी जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मुझे एक मिनट दीजिएगा मैं आपको यू कैन can... सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जो गांव के लोग हैं अनपढ़ हैं उनको आप इसमें किस तरह से इंक्लूड कर रहे हैं उर्दू के टीचर हैं हमारे पास उर्दू तो आती है, आनी चाहिए उनको उर्दू हमारी फैकल्टी अलग है इंग्लिश की अलग है उर्दू के जो टीचर हैं वो आ, उनको उर्दू के थ्रू पढ़ाएंगे और इंग्लिश जिनको आती है ओवरसीज जो है उर्दू नहीं आती तो उनको उर्दू के थ्रू इंग्लिश के थ्रू पढ़ा रहे हैं मतलब दो तो एक तीन महीने तो के अंदर ना दो या तीन महीने भी नहीं बल्कि हमने एक पॉलिसी रखी आई थिंक वो तो वो मेरी वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बताएगी कि आई थिंक और वीक्स के बाद तो बोलने की, की तो बोल सारे, सारे बोल <laughs> मतलब मतलब फेसबुक बहुत कम लोग एक्सेस करते हैं जिस तरह गाँव में ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन है लेकिन उन तक ये सब चीजें उस तरह से नहीं पहुंच रही ना ही उनमें है नवाज शरीफ और इमरान खान कैसे पहुंच रहे हैं मुझे समझ नहीं आती

सर। मुझे थोड़ा सा ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम पे आपसे आपका थोड़ा सा फीडबैक चाहिए था कि हम अच्छी चीजों के लिए आजकल बहुत बच्चों को पहले से अनाउंस कर देते हैं कि ये रिवॉर्ड मिलेगा आपको नमाज पढ़ेंगे और या रोजे रखेंगे या कुरान खत्म कर लिया तो और अगर आप इस पे कुछ कहें तो एक काउंटर आर्गुमेंट आता है कि अल्लाह ताला ने भी ये तेट रखा है कि आपको नेकी मिलती है क्या जहनम में सजा मिलेगी तो इसको किस तरीके से हम आ, वो कर सकते हैं और आपकी नजर में सही है या नहीं मतलब इससे कोई माशरे में खराबी आती है कि हर अच्छा काम जब आपने लालच देकर ही कराना है तो आ, मतलब मुझे आपका इसके ऊपर थोड़ा सा इजहार ख्याल चाहिए था जजाकल्ला नहीं मैं, मैं इसके अगेंस्ट इसलिए हूँ कि मतलब रिवॉर्ड तो होना चाहिए फेयरनेस का तकाज़ा है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों हो मगर तारीफें ना कराएँ लोगों की क्रेडिट इस ना कि ना दें और उसको उसको हवा ना फुलाएं उसके बारे में मुफ्त की रिवॉर्ड ज़रूर दें उसमें ऐसे कोई मसला है बचपन में नेकियों के रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि अला के लिए कोई काम करने की ट्रेनिंग के लिए तो रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए ना तो नमाज़ पढ़ने के ऊपर उसको कुछ एक या दो दफ़ा उसको शाबाशी मिल गई कि अलहमदिल्ला यू हैव अचीव सर्टन लेवल के आप चालीस दिन से जमात में नमाज पढ़ रहे हो तो बच्चे को एक रिकग्नीशन दे दें मगर इस तरीके से नहीं कि हर नमाज के बाद उसको जाके कोई चॉकलेट कैंडी मिल रही है अगर बहुत छोटा है तो खैर है केयर मगर बहुत छोटे पे तो इतना नेकियों की कोई अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं की भी हम क्यों कर रहे हैं बड़े लोग भी अगर आप इनाम के लिए नमाजें पढ़ रहे हैं चौदह पंद्रह साल का लड़का भी तो फिर उसको क्यों सजा दे रहे हैं उसकी अम्मा अबा सजा मिलनी चाहिए क्या उसने सिस्टम बना दिया आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यही है असल में, में। रिवॉर्ड और पनिशमेंट ओके आखिरत का कॉन्सेप्ट जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई सर मेरा सवाल है सवाल ये था जी जी साहिल भाई मेरा सवाल ये था कि हमारे पास तो कुरान पाक है मतलब कि अल्लाह ताला की हिदायत का एक डायरेक्ट <सथ> मैनुअल हमारे पास है तो ऐसा क्यों है कि हम मुसलमान सबसे ज्यादा गिरी भी एक कौम है मतलब के हमारे ना मोरल सही है ना हम वैसे ईमानदार हैं करप्ट हम सबसे ज्यादा हैं तो बाकी अगर अगर ये जवाब ये होता है क्योंकि हमने ईमान को अपने हाथ से छोड़ा है तो जो पुरानी कौमें हम देखे हैं जो जैसे क्रिश्चन हैं या जूस हैं तो उन्होंने भी अपनी किताबों में तहरीफ कर दी उन्होंने भी अपने ईमान को छोड़ दिया लेकिन वो हमसे ज्यादा ऑनिस्ट है वो हमसे ज्यादा फोकस्ड है तो इतना डिफरेंस मतलब क्यों है कि मुसलमान बिल्कुल ही पस्ती का शिकार हैं और जो सारे काफिर हैं हैं वो ऊपर ऊपर से उपर ही जाते जा रहे सवाल जो है ना इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए मुझे इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने छोड़े तो हैं खाली ईमान नहीं छोड़ा ईमान तो क्रिश्चियन ने भी छोड़ दिया उन्होंने अभी कोई कोई भी क्रिश्चियन जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल कम्युनिटी पोलिटिकल कम्युनिटी पेशरफ कर रहा है वो बाइबल की बेस पे नहीं कर रहा है तो, तो, तो साइकोलॉजी बाइबल बनाती है उनकी इसमें कृषक में मत रहिएगा मगर ये आ, जो बिहेवियरल एलिमेंट्स है ना जिसकी वजह से आप तंगी में आती हैं मुसलमानों के साथ हर कोई आता है मैं वो कैसे बताऊँ आप उसमें से आपको मिसाल देता हूँ मेरे उस्ताद थे अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जा अता करें उन्होंने एक दो काविशें बहुत की अ पाकिस्तानी एंड ही सेट के पाकिस्तानी पैदा होने के बाद फायदा ये हो जाएगा कि एक बंदा अगर थोड़ा सा भी अपने आप को स्टेबल कर लेगा ना तो जन्नत पक्की हो जाएगी तो आई सेट वो कैसे आप थोड़ा सा स्टेबल करने से जन्नत कैसे पक्की हो जाएगी हमारी कहते हैं बिकॉज दोनों साइकिल चलनी है ना आखिरत में तो नबी असलाम ने तो क्लियरली बता दिया दोनों साइकिल कौन सी चलनी है कि एक आपके सवाब की और एक आपके गुनाह की शवाब की इन, 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 आ, इंक्रीज करने तो की और तो गुनाह के रिड्यूस करने की दोनों लेन देन चलेगा ठीक है तो मैं जब उनसे तफसील पूछी तो उन्होंने इसी तरीके से बताया जो नबी इस्लाम की हदीस की रोशनी में बताया कि पाकिस्तानी जिस तरीके से जो जो गुनाह करना माँ बाप के थ्रू आम कर चुके हैं ना तो रेगुलर लाइफ स्टाइल जो पाकिस्तानी की उसको बताया नहीं जाता कि वो वाले गुनाह वो करता है कि जिसकी वजह से वो जितने मर्जी सवाब कर ले वो उसको वापस करने पड़ जाएंगे हमारे कुछ ऐसे गुनाह हैं जो हमारे कल्चर में हैं कि जो अल्लाह ताला की किताब पे किए गए की वजह से किए गए कि बिना पे किए गए सवाब भी वापस करने पड़ेंगे वहां पे जो ट्रेड सिस्टम है ना आखिरत का वो समझ लें हम किसी की ऐप जोई करते हैं नंबर वन पाकिस्तानी कौमी खेल है ऐप जोई करना की सबसे तो कॉमन चीज है वो है एक दूसरे की खबर रखना हर वक्त ये वो दो ऐसे मेजर गुनाह जो कुरने पाक ने ऐसे कोई क्रिटिकल लेवल पे बताया ना कुरान की आयत जो है ना उसके बाद आपको कसर रहनी नहीं चाहिए थी आ, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है महल में ये चीज़ नोटिस हो रही होगी मेरे में महल्ले में ये चीज़ नोटिस हो रही खानदान में ये चीज नोटिस हो रही होगी ये बचने वाले नहीं है पाकिस्तानी मैं बता दूँ दोजख की एक खास सेक्शन में आपको किसी हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ हमारे इन दो पिछली नस्लों के बाबों ने और आंटियों ने बना के दिया ये सिस्टम पूरा पूरा एक बैरक बना के दिए दोजा की हमें कि खबरें रखना एक दूसरे के बारे में तांग झांक करना एक दूसरे की ऐप के ऊपर से पर्दे उठाना एक दूसरे की तहमत और हीबत करना तोहमत सबसे पहले करना फिर हीबत करना ये इस चीज़ का डर निकाल दिया गया पिछली नस्लों से पाकिस्तान में फिर झूठ बोलना फिर हक जो ही कर देना हक का हक तल्फी कर देना फिर हिसाब किताब में फिर बड़े बड़े फिर मैं हरा में बड़े बड़े कर रहा हूँ क्योंकि हिसाब किताब में लेन देन तो आ, किसी एक ऐसे बंदे के पास जाए हिसाब किताब भी हो तो काफी सारी ऐसी खातन जहन में सोच हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कोई मेट्रिक ही नहीं है मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है तो मेरे ऊपर ऐसा नहीं आता ज्यादातर खवतिन ही ये माए सिखाती हैं ऐप जो ही पर्दे उठाना खबरें रखना ये सब आ, किसी भी लेवल के ऊपर आप आ, जो है ना पाकिस्तान में महफूज नहीं अब तो होगा क्या छोटे छोटे चीप किस्म के गुनाह करने वाले लोगों के साथ क्या होगा क्या वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा जो जख्म आखरत वाले दिन, उस पे नीचे खड़ा किया जा रहा होगा कि हाँ जी आप ये स्वाब वाली बातें ना करें आप ये देखें कि आपने लोगों के कितने गुनाह उठाने और लोग पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे हर कौम वाले क्योंकि पाकिस्तानी वो लोग होंगे जो लोगों के गुना उठाने के लिए वहां पे बैठे हैं क्योंकि ऐप जो ही लोगों का गुना लेना है ना किसी का पर्दाफाश किया आपने लोगों का फिर किसी का हक मारा किसी का लेन देन का मसला किया किबत की, की तोहमत की सब वो है जो कि लोगों के गुना उठानेवाब देने वाली औकात नहीं है हमारी तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है तांबे का पिघले तांबे का फर्श है पिघले तांबे के बुरके और क्या नाम है गरारे पहने में औरतों ने भी और आदमियों ने भी हैराम पिघले तांबे के पहने में वहां पे पाकिस्तानियों की वहां बता रहा हूँ जो बहुत अपने आप को पेट्रियाटिक कहते हैं ना अपने कल्चर को जीरो करके बैठे हुए हैं ना ये जो दो नंबर कल्चर इन्होंने बनाया कुरान पाक के खिलाफ का ये भी मैं छोटे और चीप गुनाहों की बात कर रहा हूँ अभी बड़े गुनाहों पर मैं नहीं आया उसमें भी बड़े बड़े मुकाबले हैं। हम भी बड़े वो वाली ओलंपिक्स में हम भी जीतते हैं काफी सारे तांबे के जो है ना जो तमगे बहरहाल उसमें बड़ी बड़ी कॉमे हैं जो कि बड़े बड़े कत्ल गुनाह और मैसिव इन्वेजन करके बच्चे मार देना ये सब वो भी नहीं बचने वाले मगर ये चीप गुनाह वो हैं जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान के तरफ तो लोग लपकेंगे आखिरत में के पाकिस्तानी शनाख्ती जफ् मार रहे होंगे लोग तो बस सेलेब्रिटीज होंगी आखिरत अरबों अरबों लोगों में पाकिस्तानी औरत पे जाएगी कि यार ये है वो मेरे गुनाह ले लेगी ये सब गुनाह उठाए हुए होंगे हमने और हम पूछ रहे होंगे अल्लाह हमने स्वाब भी कहे थे स्वाब तो पहले पहले सेकेंड आखिरत के दिन के पचास हजार सालों के पहले सेकंड में डेबिट क्रेडिट हो गए थे अब चूंकि सवाब तो बचे नहीं थे तो हमने तो फिर आप गुनाह तो लेने थे ना लोग इसलिए हमारी तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्टर हो होंगे ये मेरे गुनाह उठाएगा सारे और लोग क्लीन होने के लिए पाकिस्तान का अगला नाम लिखा होगा वहां पर रिफाइनरी रिफाइनरी का मतलब है कि अपने गुनाह साफ करने हैं तो इधर आ जाओ और हमारे साथ आएंगे तो पता चलेगा लिस्ट में साहिल नदीम ने भी पचास हजार बंदों की खुले हम मुबें की हुई है तोमते लगाई हुई है ऐसी ऐसी तोमते जो बकायदा लिख के लगाई हुई है लिख के रिटर्न में डाली हुई है ये हालात है हमारे फिर हर मतलब एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट है अस्करी के अपार्टमेंट एक गाड़ी अति अस्करी के बाहर और पूरे अपार्टमेंट की सारी आंटियां बाहर देखती हैं गाड़ी में कौन है साथ कौन बैठा हुआ है ये औरत है बेशक वो बेशन नकाबन है साथ कौन आया हुआ है नोट किया होता उन्होंने किस बात की क्या है? आप लोगों को क्या ऐसा शौक है ये शौक आया था अम्मी की तरफ से और उनकी भी अम्मी की तरफ से ठीक है सो ये सारे और फिर आदमी भी वैसे ही गंदे हैं क्या मैं कहूँ औरतों को खाली आदमी जितने नस्वानी गुनाह कर रहे हैं आजकल डोजक की नस्वानी गुना ठीक है तो वो औरतें भी नहीं कर रही खैर जिस लेवल पे गिर गया आदमी तो आप जरा इमेजिन करें वो विजन दे रहा हूँ विजन कि आखिर में पाकिस्तान का बड़ा सा झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद कौन कह रहा है बाकी की नेशनैलिटीज बोल रही है पाकिस्तान जिंदाबाद और बाग बाग के आके अपने गुनाह हमें फेंकी जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि और हम कोई मर्जी से गुनाह तो नहीं लेता ना तो हम कह रहे होंगे हमें यह गुना चाहिए तो फिर एक हंटर मारना है कि तो पूछने गुना चाहिए थे झांकता था ये नमाजियों की मैं हालात बताऊं मिलता पूरा का पूरा मोहल्ला डरा हुआ होता है कि मुसलमान वापिस आ रहे हैं क्यों मुहल्ला डरा होता है ये नमाजी पाकिस्तानी मर्द टोपियाँ तो पहनी शलवारी के पीछे पहनी है ये अके आम करके आए हुए हैं जी अः ये तलावियां पड़ने के हुए थे और रास्ते में हर घर के अंदर ऐसे झांक रहे हैं इनके बाप का घर है जैसे ये वार्डन है और अंदर कैदी रखे हुए इन्होंने ये इस तरह के पाकिस्तानी मुसलमान है और पूरा मोहल्ला डरा है मुसलमान भाग के आ रहे हैं मुसलमान आ गए हम आप सेफ नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जब कहते हैं ना यूरोप में जाओ आप किसी भी औरत को यूरोप में ट्रांसफर करें जो पाकिस्तान की हिली हुई हो उसको ऐसा लगता है कि नबी दौर के मदीना में आ गई है हालांकि कोई इस्लाम नहीं आया उन लोगों के पास बस बिहेवियर लिए 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 ऑर्गेनिक मशीन से की खुद डिमांड करते हैं क्या डिमांड थी प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं किसी की ब्रीच करनी मैं अभी एक इंडिकेटर बता रहा हूँ आपको मस्जिद से मुझे याद है ना कि मैं देख रहा होता हूँ कि एक बंदा भी सीधा नहीं चल रहा होता नीचे देखना तो बहुत दूर की बात है सीधा भी नहीं देखते हर घर के गेट के अंदर से हर घर की खिड़की के अंदर से देख रहे होते चलते रहे नमाजी ये वो है जो नमाजी जो नमाज नहीं पढ़ते वो पता नहीं क्या क्या देखते होंगे सो छोटे से छोटे गुना हमारा परचम बड़ा ऊंचा लहराने वाले हैं उधर से आखिरत वाले दिन में मैं बता रहा हूं किसी और कौम का इतना बड़ा जिंदाबाद का नारा नहीं लगना जितना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना है उसके पीछे हमारी अम्मी है मानना पड़ेगा ना अम्मी है जिन्होंने फिर बेटे भी ऐसी पाले और बेटियां भी ऐसी पाली और वो बड़े होके सारे के सारे चीप गुना करने वाले अबू जहल और अबू लहब ने मैं आपको बता रहा हूं ठट्ठे उड़ाने हम पे हंसना है कि तुम हमें गालियां दे दे के किताबें लिखते होते थे ये देखो हमारा दर्जा कितना ऊपर है तुम जैसा अपने आप को मुसलमान कहते थे और समझते थे कि मुसलमान कहने से बच जाओगे सो so, ये मैं आपको अभी पिछले सवाल में ना बल्कि पिछले सवाल नहीं पहले पहले दस मिनट में मैंने जो अनाउंसमेंट किया उसमें कैरेक्टर एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा था कि वो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है एक इंसान की और वर्टिकल अलाइनमेंट में सबसे नीचे कैरेक्टर एलिमेंट होते हैं इंटेलेक्चुअल एलिमेंट बहुत बाद में बनता है क्योंकि कैरेक्टर एलिमेंट बचपन में बनाए जाते हैं वो हम बनाते नहीं है अब माँ गीबती होगी माँ तो होगी अपने आप को जस्टिफाई भी करती होगी तुम्हारा बाप था ही इतना दो नंबर की हिब्त क्यों ना करूं तो फिर बच्चों ने ये नहीं देखना बाप दो नंबर है कि नहीं बच्चों ने कहना अलाव है जस्टिफिकेशन दे देते हैं हम नीचे और अगर आपको पता चल जाना हिब्बत क्या चीज है मैं आपको मिसाल परस्पेक्टिव दे रहा हूँ एक, एक गुना में डिस्कस नहीं करने वाला इधर आपके सवाल के कमत की रूह कुछ और है एक बंदे ने आके बिन आकेमर बिल खुताबर पैर पकड़े और चीखे मारने शुरू कर दें कि मुझे कफारा बताएं मुझे बचाएं मैं नहीं बचने वाला अलिबिन अभी ताब साथ खड़े हुए हैं उन्होंने देखा सारे सहाबी के बीच में वो बंदा आया और उमर अखताब के पैरों को पकड़ के चीखे मारना शुरू हो गए रोई जाए और उमर उखताब ने कहा क्या गुनाह किया कफारा मांगता है। मैं बताता हूँ ना तुझे क्या कफारा है कहता है मुझसे या अमीर मुन मुझसे जना हो गए अच्नलखताब ने ऐसे माथा पकड़ लिया और सहाबा ने एक दूसरे को देखा कि ये कि क्या वाकया हुआ सहाबा साहबा की सेंस थी ना ये सीधा का फायदा होता है तो मैंने खताब ने कहा कि यार तू तो रो ऐसे और बहन ऐसे कर रहे जैसे करके आया आप खुद सोचें हमने किस क्राइम को कितना ऊपर किया हुआ है और किस क्राइम को कितना डिमीन किया हुआ है सेक्सुअल क्राइम को पाकिस्तान में ऐसे समझा जाता है जैसे अल्लाह के खिलाफ जंग है और सूद आम करके खा रहे होते सेविंग अकाउंट्स में नेशनल सेविंग सेंटर में पैसे रखे हुए और बैठे होते हैं उस लड़की के करेक्टर खराब है और लड़की के करेक्टर खराब एक छोटा गुना है बेशक गुना है तुम्हारे जो सूद खा रही है वो सबसे बड़ा गुना है पाकिस्तान की लॉफ साइड इन चेक करें ये है तो दो नंबर कल्चर की निशानी ठीक है कर रही हो वो उसके सेक्सुअल कैरेक्टर के खिलाफ बातें करने वाली औरत जब तोहमत लगाती है वो बहुत ही बड़ा गुना है मतलब करोड़ गुना ज्यादा बड़ा गुना है वो जना से मगर नहीं वो आराम से कर लेंगे और यू you नो know, उसके ऊपर और यहाँ पर किसी मोलि साहब से बात होगी और नहीं अमरीका में तो जना आम है अमरीका में जना आम है तो हमारे यहाँ जो चीज आम है वो जना से कई बड़ी है कई गुना बड़ी है उसके ऊपर तो आपने कभी भी रोकथाम नहीं की बल्कि आप तो अपनी तारीफ को भी अच्छी चीज़ समझते हैं और आप किसी की बुराई करने को भी अच्छी चीज समझते हैं जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने घरों में बैठे सो इट्स इट्स वन ऑफ दोज के मैं आपको बता दूं मेरे एक और उस्ताद में याद कहते हैं अल्लाह ताला हर गुनाह के ऊपर ना अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं कुरान पाक में गंदगी जो है ना गंदगी जो गलीज किस्म के गुनाह है उसके ऊपर जो जो रिएक्शन आया हुआ है ना इस्लाम के फलसफे में वो कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं है गलत इंसान को अल्लाह हिदायत दे देंगे अल्लाह तला गंदे इंसान को नहीं देते कि तूने इतने गटर में जाके इस्लाम को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की अपने दिल में ईमान जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है तू लोगों को ऐब जोइया करता है टोल तो लगाता फिरता है पाकिस्तान में हर बंदा टोल तो लगा के बैठा हुआ है हर बंदे को हर बंदे का पता होना पता नहीं क्यों जरूरी है हर एक की खबर रखना टोल तो लगाया हुआ है कि बस और ऐसे फकर से बताते हैं और इसीलिए ना ये जियो ए आर वाई समा टीवी ट्वेंटी फोर न्यूज क्यों मशहूर हुए आप सोचें जरा पाकिस्तान में ये न्यूज चैनल क्यों मशहूर हुए हैं सोचें कभी है? अकेले बैठ की दुनिया पूरी बेसबॉल के ऊपर लगी हुई है फुटबॉल के ऊपर लगी हुई है और मेसी मशहूर हुए हैं हर घर में फुटबॉल लगा हुआ यूरोप के मैं बता रहा हूँ ना वो तजरबे से हर घर में स्पोर्ट्स लगी हुई है या फिर कुछ और एंटरटेनमेंट मूवीज लगी हुई है हमारे घर में हामिद मीर और मुबसमान और पता नहीं कौन से बासी तो कौन से अंसारी बैठे हुए और एक खबरें सुनार क्यों क्योंकि टो तो लगाने वालों को अपने जैसे लोग ही पसंद होते इनको उधर की इधर उधर की खबरें चाहिए होती ये हैं वो है वो गिरती है वो तोमती है वो ऐब जो ये है वो यू नो खबर रसा एजेंसियां जो माए और बाप है किसी और काम और कोई काम शौक नहीं है अंकल ने आके बैठना है सबसे पहले नौकरी से आया जाके जियो लगा लेगा क्या क्या क्या, क्या तस्किन आ रही है उसको उसकी रूह को क्या गजा मिल रही है उसकी गाली रूह को वो गिबत मिल रही है वो तोहमत मिल रही है बच्चे फिर वो उसी माहौल में पलते हैं वो देखते हैं भाई यही कहानी और उसको फिर सेलेब्रिट सेलिब्रिटी मिलते हैं पचा पचास पचास लाख के करोड़ रुपया ले रहा है ये जर्नलिस्ट हमारा जिसका प्रोफेशन है लोगों की खबरें रखना बच्चा फिर ऐसे देखते जैसे कि अरब में लोग अब्दुल्ला बिन मसूद को देखते थे कि ये रुतबा है तेरा यार तेरा तू तो मुबशर रखमान है तू तो ये वो सेलिब्रिटी है तो है फिर केमिस्ट्री ट्रिगर हो जाती है फिर सेन बाकी का काम करता है बाकी तो जिसम ने अपना आपने फलसफा गलत दिया है जिसम ने अपना काम वही किया जो करता है

कौन से ऐसे गुनाह थे जो जाहलिया के मक्का ने भी कभी भी नहीं किए देवर लाइक सब कुछ कर लेंगे ये काम नहीं करेंगे वो किताब जरूर पढ़िएगा देरी से क्या नाम है किताब का मैं इंग्लिश की किताब है uh, मिसर के स्कॉलर ने लिखी हुई है या मक्का yeah, कि किस चीज के ऊपर उन्होंने परहेजगारी रखी हुई थी ही उन गुनाहों से होती है जाहलिया के मक्का में भी वो गुना नहीं थे हम नहीं वो घरों में पाले हुए सारे और पी एच डी की हुई उनके ऊपर सो so, बहरहाल ये तो एक वो मामला है कि जो आ, आपके सवाल का एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा ये है कि क्या हम ईमान नहीं रखते तो ईमान तो बहुत बाद में आता है पहले बच्चे का किरदार बनता है बाद में फिर सोचता है फिर वो अल्लाह की निशानियाँ देखता है फिर ईमान पे आता है इन लोगों ने मैं फिर बता दूं ये इस्लामिक स्कॉलरशिप ने बहस की थी और अभी की बात नहीं है ये 1600 और 1500 के स्कॉलर्स ने बहस की हुई है अल्लाह की बयान किए गए कलाम के ऊपर सोच विचार करते हैं लोग जब अल्लाह ने कुन कहा ना तो कायनात बनी ये लोगों ने वो वाली सोच विचार की कायत पे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर पूरे के पूरे मामला पे ये कायनात पे गौर करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला के तो हर कलाम में हर काम में बरकत है इन लोगों को इतने बड़े बड़े रास्ते मिल रहे हैं और सारे इनके ताबे क्यों हो रहे हैं बिकॉज ये अल्लाह तला ही की उन निशानियों के ऊपर जो है ना टाइम लगा रहे हैं हम लोग किसी भी अल्लाह किसी भी निशानी को ढूंढने की खोज में नहीं है ये लोग खोज रहे हैं इनके रास्ते भी खुल रहे हैं अट्रैक्टिव हो गए हैं, लोग फिर इनकी तरफ जाते हैं फिर इनके करेक्टर एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी को इंसाफ का निजाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक है हमारा इसके लिए मुसलमान होने की जरूरत है अल्लाह ने कहा कि फित्रा में डाल दिया मैंने ये फित्रा के लॉज के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले थे दूसरा इनके अपने पास भी जब नहीं होता ना फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका में जाके देखें ठीक है वही स्पेनिश बैठे हुए अमेरिका के, के के माशरे में देखे तो आपको पता चल तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान वाले निजाम है सोलह so सौ की सत्रह सौ की, 1700 की आ, जो पंद्रह सौ से सत्रह सौ के एंड तक ये तीन सौ साल बनते हैं पंद्रह सौ सोलह सौ सत्रह सौ इनमें इन्होंने फिलोसॉफिकल अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा की इनकी अपलिफ्ट बहुत ज्यादा हुई सोच प्रचार बहुत हुई वरना इससे पहले ये भी उनकी गलियों से भी गुजरना माहौल था पाकिस्तान से ज्यादा गंदा था फ्रांस आप जरा हिस्ट्री खोल के रियली टर्न द द पेज ऑन ऑन वे दे एंड क्लीन अप स्लोली स्लोली बट नॉट सो इज नॉट अ बिग इरा इतनी जल्दी वो लोग अपने आप को डिजर्ट करके गए फिर उसके बाद फिर जितना भी विक्टोरिया ने जो भी जहां जहां भी गई वो वहां वहां पर उसने तमाम तर मामलाटेंस में लेके आई वो कि ये बेसिक्स तो प्लानिंग में तो चले ना जहाँ पे रहते हैं वो इंसानों की बस्ती तो लगे हम तो जहाँ रहते हैं वो इंसानों की बस्ती नहीं लगती हम तो जितना मर्ज़ी साफ शहर हो उसमें एंटर होते हैं और शहर तबाह और ठीक है सो कहाँ से आ रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड थी सफाई हमारे अंदर नहीं अल्लाह के नबी नबीम की सीरा नहीं है ठीक है नबी नबीम की सीरा क्या कहती है सफाई के बारे में कि आप जिस जगह पर एंटर होंगे हमें देखें मौलवी क्या बताता है सफाई महमान का और नबी इस्लाम क्या बताते हैं कि जो जगह नबीसम जहां से गुजर गए वो जगह पहले से ज्यादा मोत्तर और साफ हो गई हम लोग जहां से गुजर गए वो पहले से ज्यादा गंदी और बदबूदार हो गई ठीक है ये है सफाई कि आप गए हैं वो आप सफाई अपनी नहीं मेंटेन करते आप जहां होते हैं वो चीज़ क्लियर करके जाते हैं यू एंटर दे। ये वो कौमी हैं जो उस सीधा की एक एक सुनत में भा रहे हैं और अल्लाह तुमको बरकतें दे रहे हैं सोचने की आयतें पूरी कर रहे हैं अल्लाह तक बरकतें दे रहे हैं हम लोगों ने ना सोचने वाला काम किया है ना अमल वाला काम किया है ना मामला वाला काम किया है ना सोचना मामला तो फिर क्या होना हमारे साथ आप मामलात वाले ही हाल, काम हल कर लेते ना तो एटलीस्ट एक लिवेबल कंडीशन होती एक औरत के लिए लिवेबल कंडीशन होती एक बच्चे के लिए लिवे, लिवेबल कंडीशन होती अभी तो सिर्फ एक जर्री किस्म का आदमी या एक पोलिटिकली पावरफुल आदमी पाकिस्तान में इंडिया में रह सकता है और न तो ये जगह लिवेबल नहीं है किसी को एक को मौका मिले

दारुल कुफर में रहना बेहतर है अगर दारुल निफाक छोड़ना है आपने तो सबसे पहले दारुल निफाक छोड़े आप क्योंकि आप शर्क बजाय फितना फैला रहे हैं शक्लें आपने मुसलमानों वाली बनाई हुई है दाढ़ियों रजाब रखे हुए हैं और इस्लाम से दूर भगाने की मशीनें की हुई आपने तो इस इट्स अ सिंपल अच्छा, फिलासफी मैं कहा रॉकेट साइंस क्यों बनाऊं इसको निफाक है तो दारुल कुफर में जाए इस्लाम में जाए मगर वो तो कहीं नहीं है ना तो दारुल इस्लाम बनाने के लिए आपको

एक्सप्लानीशन uh, है और उसकी उसकी स्कोपिंग करके देता है उसको बढ़ाता है उसको प्रोग्रेस करवाता है उन्होंने फितरा के ऊपर लॉज बनाए हमने भी बनाए मगर हमने फिर मैं आपको बताऊं वो खत पढ़े ज़रा जब पाकिस्तान को आज़ाद करके गोरे निकल रहे थे वो खत पढ़े ज़रा चर्चल ने लिखा था पता नहीं किसने लिखा था कि हम अब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें लूटने की खुद बोल रहा है वो मगर तुम हमसे बहुत बड़े डाकू हो हमने एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मामलात करने थे अब तुम उसको भी कच्चा खा जाओगे और वही हुआ हमारे पे शिवाज शरीफ नवाज शरीफ जैसे बंदे आए खा गए कच्चा समझने की कोशिश करें कि जब मौका मिलेगा तो हमारे कैरेक्टर एलिमेंट्स नहीं बने हुए नहीं बनेंगे तो फिर जरदारी नवाज शरीफ ही आएंगे ना हमारे ऊपर कैरेक्टर एलिमेंट्स की भी होती। you, you might have noticed कि मैंने इमरान खान को आज जुमले में इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज वो फिलोसॉफिकली डैमेज है यहाँ पे उसके करेक्टर एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन एलिमेंट्स की निशानियां हमारे पास सारी कहां से आई है सीरा से आई आप एक बंदा पक्का पक्का एक दो नंबर ट्रेन हुआ हुआ है उससे मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि नहीं नहीं इसका ईमान है कुरान पढ़ा हुआ ऐसे घर में <laughs> और कुरान की वजह से तो धोखा देता है वो तो मेरा चेहरे ना कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं लूटते हैं खुदा खुदा करके ये ये है हमारे मामलात के ऊपर जो तफसील है it's a, it's a एज ए फादर एंड एज अ मदर नथिंग एल्स पिछली जनरेशन जो कुछ हो चुकी हैं सॉरी दावत ही दी जा सकती है जिन लोगों को बहुत शौक है मुझे मैं जंग में देखने का वो मेरे साथ आके दस पंद्रह दिन गुजार लें देख लें में कौन कौन से मैं जंगों में शामिल हूँ वरना मैं दावत ही दे सकता हूँ इस वक्त ओके दावत ही आपका काम है जो बुजुर्गान को देती है बच्चों को फिजिकली आप ट्रेन करेंगे उनके एटीट्यूट अट बनाएंगे वक्त लगाएंगे उनके ऊपर माओ के थ्रू बापों के थ्रू दोस्तों के थ्रू खानदानों के थ्रू रिश्तेदारों के थ्रू डिसीजन लेंगे आप हड़ताल करेंगे लिटरली अल्लाह की कसम औरतों को हड़ताल करनी पड़ेगी अल्लाह के लिए हड़ताल करें कोई बात नहीं और दूसरा एक बस में जाते जाते सवाल का जवाब पूरा कर लूँ कि एक मसला आएगा आपको जैसे ही आप इस्लाम पे आएंगी तो आपके अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल करेक्टनेस करनी पड़ेगी स्पेशली खातन को आदमियों को इतनी नहीं करनी पड़ती क्योंकि सोशली बहुत एक्सपोज होते हैं उनको खुद ही पता चल जाता है फीडबैक बहुत आता है उनको लोगों के रिएक्शन से ही समझ आते हैं औरतें जब इस्लाम पे आती हैं तो वो इस लेवल के ऊपर एंटर करती हैं और जिस जगह से वो एंटर करती हैं ना साइकोलॉजिकली वो जगह ठीक नहीं है वो बहुत क्रख्त बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा एक एजिटेटेड किस्म की साइकोलॉजी के साथ वो दुनिया से बस दुनिया बेजारी को उन्होंने किसी और लेवल के ऊपर ले गई हुई है और वो बहुत ज्यादा रिपल्सिव किस्म की साइकोलॉजी से आ, इस्लाम को देख रहे हैं यू माई नोटिस के गर्ल्स गो टू ऑन द साइड ऑफ थिंग्स So keep it, uh, हिल्म को दामन हाथ में रखेंट अट्रैक्टिव मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर जब आप करेक्टर प्रैक्टिस करें अपना लोग आपकी बात सुनने के लिए तरस रहे हो लोग आपके आपकी आपकी एम्यूलेशन uh, करने के लिए तरस रहे हो कि ये जैसे करती है ये जैसे करता है काम मैं भी वैसे करूँ लोग सिम्युलेट करें आपके इस करेक्टर को दैट गोइंग टू चेंज इज गोइंग टू चेंज द नेक्स्ट टाइम ये आई डोंक सो अल्लाह आलम अल्लाह को पता है लगता नहीं है अगली ट्वेंटी so. तो क्या प्लान जाए बस प्लानों साल गिनना छोड़ दें नस्लें शुरू कि अगली नस्ल में अगर आइडेंटिटी क्लैरिटी क्लियर हो गई फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आना शुरू हो गई है देखें फिर यही होगा दिस इज गोइंग टू चेंज इट इन लेस देन जैसे अभी भी आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान का लड़का जो यूथ है और लड़की नो इतना डेटा नहीं है लड़कियों का इस केस के ऊपर मेरे बारे में मेरे पास कि वो अब ये बरेलवी देवबंदी से बेजार होना शुरू हो गया <क्राँगीज> <st <start> so, तो वो ये है के सीरा की तरफ भी आएंगे अभी भी सीरा इज नॉट द नंबर वन सेलिंग बुक ये मेरा मिशन है कि सीरा शुड बी द नंबर वन सेलिंग बुक नंबर वन डिस्कस टॉपिक इन पाकिस्तान तब कहीं जाके कुरान अपनी लाइट में आएगा और पकड़ेगा अपने आप को और कौम को ऊपर लेके कुरानी ने ऊपर लेके जाना है और कोई किताब नहीं है सो so, सीरा जब तक डिस्कशन फोरम में नंबर वन नहीं होगी तो तब तक हम मुसलमान नहीं हुए तब तक हमारी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई अभी तक हम हीगल को कांट को टेकार को फिलोसॉफिकल लीडरशिप देके बैठे इवन आइंस्टाइन को न्यूटन को प्योर न्यूटन के अम्म किताबों को जॉन लॉक्स को हम फिलोसॉफिकल सुपरिटी देके बैठे हुए हैं और कैरेक्टर एलिमेंट्स के अंदर हमने लोकल हीरो रखे हुए हैं कि जनान साहब मैंडला गांधी सो ऑन सो फोर्थ किए इन्होंने बिहेवियर लेट्रब्यूट ठीक है लखाई से भी ले रहे हो मगर जब मेरे पास एबसोलूट एग्जाम्पल हो तो मैं रिलेटिव एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ मैंने बेवकूफ़ी की है फिर नंबर वन को दिखाने की नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी सेवन को दिखा के अपने बच्चे को पाला के लीडर ऐसा बने भाई नंबर वन है मेरे पास उसके क्या क्यों ना बने ऐसे ओके okay? क्यों मुझे नहीं पड़ी हुई तो इसका ही मतलब मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा सो मेक श्योर इन द नेक्स्ट जनरेशन सीरा डज नॉट बिकम

सारा आ, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही से चैट कहा शाहन कैसे मैं अनम्यूट करूं मुझे तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा अनम्यूट की उल इस्लाम साहब उल इस्लाम साहब यस uh,

जिस चीज़ का आपको नहीं ना पता होगा हमेशा आप उसकी दूसरी वाली चीज आपको पता होगा उससे आप बैलेंसिंग की कहानी शुरू कर देंगे सो so, जिसको दीन का कॉन्सेप्ट समझ आया हो वो ऐसी बातें करता है मतलब कभी आपने कोई दो चीजें बैलेंस करनी हो और दोनों चीजें आपस में ऑपोजिट हो फॉर एग्जाम्पल तो आप देखते हैं कि ओके okay, फिर कितने परसेंट मैं दीन प्रैक्टिस कर सकता हूँ कितने परसेंट दुनिया या कितने परसेंट ब्लैक हो सकता हूँ कितने परसेंट व्हाइट यस yes? तो कौन सा ऐसा दीन इनको मिला था जिसमें उन्होंने दुनिया में नहीं रहना था ठीक है या तो ना हम वो मंक्स होते हम बुद्धिस्ट होते तो हम कहते हैं कर है और, you know, और इस्लाम का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया में डायरेक्टली डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे तो स्वाब नहीं होगा डायरेक्टली नहीं रोकेंगे गुना तो, आ, तो काम नहीं होगा मुसलमान नहीं आप इस्लाम दुनिया के लिए ही बना दुनिया पे अप्लाई करने की एक फिलोसफी और मशीन है पूरी पूरा मैनुअल है और हम कह रहे हैं नहीं नहीं कहीं कहीं पे इस्लाम ना प्रैक्टिस करो कहीं कहीं पर तो इस्लाम प्रैक्टिस करो यही मतलब निकलता है ना वरना ऐसा कोई एक बताएं इस्लाम की जो दुनिया में नहीं लगती जरा साहब थिंक सोचें अगर इस्लाम सारा का सारा इसी दुनिया में लगता है सारे फरज इसी दुनियादार लोगों के हैं मेरे माँ बाप के मेरे दोस्तों के मेरे मोहल्ले वालों के मेरे दुनिया वालों के सारे के सारे फराइज मेरे उन लोगों के लिए हैं Uh, सारे के सारे मामला के अंदर बैलेंस नहीं लोगों के साथ करना है तो जब कोई कहता है ना दीन और दुनिया बैलेंस करो तो वो कहता है यार सारा दीन ना प्रैक्टिस कर कुछ जगहों पर बेदीना हो जाए कर यही कह रहा है ना और वो कुछ भी नहीं कह रहा so, वो। सो इस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो रहा था और वह बच्चा कहता है यार बैलेंस ही करना है, तो उसका मतलब है मेरे ऑफ डेज भी हैं इस्लाम में ओके सो आई गैर इट यू कंफ्यूज यू से फुलटमेंट्स के दिन और दुनिया बैलेंस कर लो

आ, ये वही वाले फलसफा है जो पाकिस्तान में भी आया हुआ है उर्दू में बोला जाता है ये पिछली जो नस्लें थी ना ये जो टीवी पे बैठे हिकमत के प्रोग्राम करते थे बाबे वो ऐसी बातें करते हो रहे थे कि दीन और दुनिया इकट्ठी लेके चलो दीन और दुनिया बैलेंस करो कि हाँ ठीक है बैलेंस कर लेते हैं क्या क्या दुनिया का क्या हिस्सा बैलेंस करूं दीन में या दीन का कौन सा हिस्सा बैलेंस करूं दुनिया में मुझे समझा दें ना दे आंसर उनका मतलब हम सबको पता क्या होता है कि इतने इस्लाम इस्लाम ना करो भाई कई जगहों पे ना गैर इस्लामी भी हो जाए करो खैर मजबूरी है सूद भी कमा लो खैर मजबूरी है रिश्वत भी ले लो खैर मजबूरी है जना भी कर लिया करो और जना चलो तो नहीं भी करते तो यू नो खैर आगे पीछे भी हो जाए उसके तो कोई बात नहीं ये सब की सब या फिर कैरियर के अंदर इतने गुम हो जाओ कि यू नो बेशक काफी चीजें अलाव करा लो अपने ऊपर तो फिर उससे फलसफे से नीचे आए क्या हुआ फिर वी नो आप स्कॉलरशिप ने भी ऐसी बातें शुरू कर दी उन्हीं के बच्चे स्कॉलर बने ना फिर तो nobody thinks ना वही तो कह रहा हूँ सोचने का टाइम दे नहीं रहा बच्चे को करियर में इतना वट पार्ट ऑफ इस्लाम कैन लेट गो और कैन लेट गो बस इसका आंसर देते हाँ बेटा शिर कभी ना करना बस कत्ल कभी ना करना मोटे मोटे गुना बस और जना कभी ना करना पाकिस्तान में इज लाइक नंबर वन गुना You know, इत्वार, इत्वार पीक। कोई पीक पे जाता था वजह तो कर सकता है पाकिस्तानी so, uh, तो तो करते हैं तो हम भी कर लेते हैं भैया so, दीन, ये, ये दीन और दुनिया एक ही चीज के अंदर अप्लाई किए गए दो लफ्ज हैं इस्लाम दुनिया में अप्लाई होता है और दुनिया इस्लाम के लिए ही बनी है आप बताओ इनको अलग अलग करके बैलेंस करके दिखाओ नो ये किना दूर है

Dr. Nafisa, you have a mic. That's it. I think we're going to end this session. I'm trying to find her. Salman Siddiq. Can you unmute? Sir Ali? Rafia, Rahat. I'm just unmuting everybody. Okay, let's just see. Last questions, please. Last question before I.

तो 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 मदीना में मौजूद हूँ मेरी, बात कर मेरी क्लियर आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी।, जी मेरा थोड़ा सा एहसास सवाल है थोड़ा डर के कर रहा हूँ यह मक्का और मदीना में आया था उम्र के लिए पाकिस्तान से और अलहमदिल्ला पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत कसरत से हैं

हमने खाली इसको आ, वजीफे और बरकत बरकात की ने। uh, काबा का क्या रिप्रेजेंट करता है वो नहीं किसी को पता ठीक है काबे के लिए क्यों पूरा का पूरा मिशन बना हर नबी ने मिशन बनाया कि काबे को सेंट्रलाइज करना पूरी दुनिया में नहीं काबे का लिहाफ घर में रखना बस सो यू राइट दिस इज़ ये एक कल्चरल uh, हैज़र है हमारा ये अभी का नहीं है ये हिंदुओं से लिया हमने और हिंदुओं से लेने के बाद इस्लाम में इस लेवल पे हमने जस्टिफाई कर दिया इसको कि मैं जब भी आर्गूमेंटेशन देता हूँ ना पाकिस्तानियों को इंडियंस को कि इस्लाम में बरकत की आयत दिखाएँ ज़रा कोई कोई आयत है कुरने पाक में या कोई हदीस दिखाएँ कि जिसमें ये चीज़ों की बरकत हो या बरकत को सेंट्रलाइज़ किया हो तो वो रिज की बरका रिज की बरकत की ना एक एग्जाम्पल लेके आते हैं और वो भी हदीस से एक जगह पे बरकत है ही नहीं ये इस तरीके से प्रिवेलेंट सब्जेक्ट इस्लाम में है ही नहीं बरका का ठीक है और पाकिस्तान में बरका इज द सेंट्रल फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ इस्लाम कि बस बरकत के लिए काम हो रहा है तो ये टेक्निकली डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड कौन सी है ये वही डिस्पोजिशन है जो कि हिंदू मत में सेंट्रलाइज थी पहले से ओके okay. ये ये एक मैजिकल फैसिनेशन को करने वाली कौन थी शुरू से ही और दोनों याद देखिएगा और एक और भी है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना के अंदर और मंगोल्स ये सब के सब वही थे आयरनिकली वही आके हम पे काबिज हो देखें सो इट्स इट्स पार्ट ऑफ दो मिथोलॉजीज जो कि यहाँ पे प्रिवेलेंट थी इन्होंने इस्लाम आ, कबूल कर लिया मगर इस्लाम Uh, को पे काम ना करने का फैसला भी साथ ही कर लिया तो, तो, तो मुफ्त में आती है और किसी भी लेवल पे सुपर्स्टिशन हुदा, सुपर्स्टिशन हैं। तो ये सब सुपरस्टि कीट की, अभी भी इस्लाम में भी की और इन्होंने इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ बरक़ा का दीन बनाया और बरक़ा किसी के पास नहीं है वे। नहुसत से वे कल्चरल घर सब घर में फसाद लड़ाइया बदबख्तियाँ बीमारियाँ गुना की बोरियां रखी हुई हैं बरका के लिए ये है और बरका के लिए वो है बरकत होगी इससे बरकत होगी वही बात इसीलिए जादूगर भी पाकिस्तान सारे जिन पाकिस्तानी नेशनल नादरा में रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया के जिन सारे दुनिया के मोकल पाकिस्तानी नेशनल निकल आए सारे दुनिया के पीर सारे दुनिया के यू you नो know, ये जो नजूमी ये सारे ये, ये सब लोकल क्यों है आप सोच सही है, बाकी की दुनिया ने इसके लिए प्रिवेल क्यों नहीं कर सके बिकॉज सेंट्रल फाउंडेशन वहाँ पे एक्शन से करके दिखाओ अमल था ये मुझे आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते सेशन के बीच में आई आई नो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन एज मच एज आई कैन ओके या अच्छा क्वेश्चन आपका इसी तरह आया मुझे जी हाँ मुझे मैं आपको ये बात बताता हूँ आपको आ, uh, ये स्क्रीन शेयरिंग प्लीज बंद कीजिए ये दिस इस, दिस इज इज इन कीजिएगा फिर, मैं कर दूंगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ खुद ही क्वेश्चन लिया करूंगा आप बाकी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज डोंट डू दैट मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी क्या लिखा हुआ था उससे पहले स्क्रीन बंद हो गई सो सो ब्रदर ये अब आपका जो सवाल था ना वो जड़ है कि हम अंदर से डिप्रेस हैं अबू बकर मैं और आप सब हम सब जो भी सोच रहे होते हैं वो डिप्रेस करना कुछ भी नहीं है मगर वजीफे सारे रखने हैं बस बरकत के लिए सारी की सारी चीजें इस्लामिक और वरना कोई काम इस्लामिक नहीं तो फिर बरकत कहाँ से आनी है काम बरकत सिर्फ काम में इस्लाम में ठीक है और हदीस भी यही है कि बरकत से रिस्क के लिए या अल्लाह के लिए जो जिद जहद और जहद की जाती है अल्लाह ताला उसी में बरकत डालते हैं ठीक है और कहा से आनी है हमारे पास वी आर नॉट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट अनलेस ये हिंदू मत छोड़ें हम और आ, इस्लाम की तरफ आए इस्लाम में सिर्फ अमल है ओके इस्लाम में सिर्फ अमल है रिटर्न क्वेश्चन ले लें आप प्लीज रिटर्न क्वेश्चन मेरे पास आ नहीं रहे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे सेल फोन पर रिटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं आपको डेथ थ्रेट्स आ रही हैं तो एफ आई ए जी मैंने एफ आई ए को बड़ी कोशिश की है मुझे डेथ थ्रेट्स आती हैं वो एफ आई ए वाले फोन नहीं उठाते पाकिस्तान में ये हालात भाई तो कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद होना उधर इन्होंने वादे किए में कोई बनना मुझे मुझे तो यही नहीं पता औरकार क्या है पे, मैं, uh, के लिए मुझे, uh, चार कॉल या पांच कॉल पर डे आ गए एक लोग आप घर भी आना चुनो गए मैं तो शायद पोलिटिकल लोग होंगे कुछ रिलीजियसली uh, अफेंडेड है कुछ पोलिटिकली अफेंडेड है सो so, इस तरीके से होता रहता है So if you have any एनी वन नो इज द मुझे बता दें पाकिस्तान में जो लिखे हुए प्रोसेस हैं वो फॉलो नहीं होते okay, so it's सो uh, इट्स और मैंने बड़े बड़े uh, शहरों में जाके हर जगह पर रिपोर्ट करने की कोशिश की है मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कॉलिंग करता है एक मेरे जानने वाला ढूंढे तो इसलिए भी शायद काम नहीं होता पाकिस्तान में मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ और वो कभी भी नहीं चलता So there is a there is a reason why I am so blunt and blatantly uh, pungent at a lot of times when I'm uh, and uh, I have received a, some serious level of threats in a way कि मेरी फैमिली तक अब uh, आ गया मामला तो ये आप सही कह रहे हैं ये ये part and parcel of being in Pakistan और कोई आप कोई आप काम नहीं करने लगे निकलेंगे तो ऐसे तो होगा पे ये ये पाकिस्तानी होने का सबूत मुझे रोज मिलता है फिक्र नहीं करें सो so, uh, और डेट्स हमारी स्कूल की uh, स्कूल नहीं मैं इसको कह रहा हूँ इसको uh, हमारा जो जो भी इसको आप स्कूल अभी अभी कह रहे हैं नाम आ जाएगा हम अनाउंस करेंगे अब वो नाम है चारों हर जबान पे हो ईद uh, के बाद आई थिंक डे के ऊपर या ईद uh, की छुट्टियों के बाद पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं नंबर्स uh, हम आपको फेसबुक पे भी पब्लिश कर, कर देंगे आज ही Uh, सिर्फ नंबर्स की आ जाएगी बुकिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए और इंस्टा पे भी और यूट्यूब uh, के दोनों सिंपल आर्गुमेंट के चैनल पे भी और साहिल अदीम के चैनल पे भी ट्विटर uh, पे तो मैं नंबर्स uh, भी पब्लिश कर दूंगा ड्यूरिंग द होल कोर्स और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक uh, सर क्वेश्चन लेने की कुछ कर बेटा असल में ना मसला पता क्या हो रहा है मेरे पास जो अनम्यूट की ऑप्शन है ना मैं जब किसी को कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मुनीब साहब आप अनम्यूट वालेकुम जी साहब.

जी जरूर एडिक्शन की ना अलग अलग किस्में हैं तो उनकी अलग अलग थेरेपी है बहरहाल जनरल लेवल पे बता रहा हूँ कि अपने आप को इनकन्वीनियंस में डालें इनकन्वीनियंस में जब तक डालेंगे नहीं कोई भी एडिक्शन खत्म नहीं होगी इंसान के जिसम बना है एडिक्शन के लिए डोपोमी हमारा नेचुरल हार्मोन है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हार्मोन एडिक्शन वो कॉज करता है सो so हम एडिक्शन के लिए ही आए हुए कोई ना कोई चीज से एडिक्ट होंगे आप किस चीज से हो गए वो प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है सो so, अगर आप डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में एडिक्ट हो गए तो अपने आप को उस चीज़ के खिलाफ डालने के, जाने के लिए तमाम इन, अपनी फिजिकल रूटीन को टोटल ओवर कर दें टोटली ओवर कर दें और उन चीज़ों की तरफ जो है ना बिजी हों बिज़ी हों यू गार बी इन पुट योर सेल्फ इन इनकनवीनियंस ज़बरदस्ती पहले दो या तीन महीने की और मेरा अपना खालिपुमाना चालीस दिन की चालीस दिन तक कॉन्स्टेंटली अपने आप को इनकनवीनियंस डालेंगे तो आपकी खुद ही जो है ना वो एक पर्सनल घर पर रीहेबिलिटेशन सेंटर खुल जाएगा मगर आपने बाई डिजाइन अपने आप को इनकनवीनियंस में डालना है आप उसकी तीन किस्म होती हैं अब तीनों में से कोई एक किस्म जरूर डाल सकता है इंसान सेल्फ थेरेपी के अंदर अगर वो एग्जैक्ट ऑपोजिट काम नहीं कर सकता तो कोई थर्ड डिस्ट्रैक्टिव काम डिस्ट, डिस्ट्रैक्शन लेके आ सकता है वो भी इनकनवीनियंट ही होती है क्योंकि एडिक्टेड मैं किसी और चीज से हूँ सो यू नीड टू यू नीड टू थिंक ऑफ दैट एवेन्यू वो वाली चीज़ों के ऊपर उस रास्ते पर चलें जो कि बिल्कुल मुतजाद हों या फिर किसी और तरफ लेके जाते हों उस काम को मतलब सर्व करने का वो वक्त जो है सो so, uh, वो मत सोचें कि अच्छा मैं कुरान पाक शुरू कर देता हूँ तो मेरी एडिक्शन खत्म हो जाएगी नहीं आप कुरान पाक इस तस्वीर ना किया करें कुरान पाक को तब पढ़ेंगे जब आप कुरान पाक पूरे पढ़ने के मूड में होंगे और शौक और एक्साइटमेंट से खोलेंगे किताब ठीक है सो so, उसके लिए वो जो एक्साइटमेंट वाला दिमाग का हिस्सा है वो पहले प्लेस करना पड़ेगा कि वो आप इंफॉर्मेशन की बजाय नॉलेज से एडिक्टिव है हो गए हैं तो नॉलेज से इससे बेहतर किताब कोई नहीं है किसी ऐसी स्टोरी को पढ़ के आपको कुरान पाक और ज़्यादा अट्रैक्ट किया तब कहीं जाके आप कुरान पाक में ट्रांसेंड कर जाते हैं

जी साहब अस्सलाम वालेकुम सर सर पहले तो मेरे भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेंशन किया आपके लिए आ, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा एक बचपन का दोस्त है वो मेरे साथ रहता है ठीक है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हम लोगों ने ने तीनों दोनों ने साथ पढ़ी है तो वो मुझे एज मुस्लिम प्रैक्टिस करते हुए देखता था तो मैं उसके जहन के अंदर एक छोटा सा ना क्वेश्चन हमेशा जनरेट करता रहता था कि आइदर के यू कन्विंस मी के मैं आपका दीन एक्सेप्ट कर लूँ या मैं आपको कन्विंस कर जाऊं आप मेरा दिन एक्सेप्ट कर लो तो हम दोनों ने इसके ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग के साथ हमने एक डील बनाई ठीक है उसने मुझे कहा कि ठीक है आ, हम एक दूसरे को पहले नोटिस करते हैं उसके बाद मैं आपको टेन क्वेश्चन दूंगा अगर आप मेरे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे मैं आपके इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊंगा फॉर uh, नाउ मैं उसके एट क्वेश्चंस का uh, जवाब दे चुका हूँ उसके अंदर साइंस uh, भी थी उसके अंदर uh, नकिया भी थी उसके अंदर सब कुछ लेकिन मैं एक क्वेश्चन के ऊपर अभी अटक चुका हूँ जिसपे मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को बहुत सुना uh, मैंने आपको भी बहुत सर्चिंग की यूट्यूब के ऊपर तकरीबन मैंने एक महीना आपको रेगुलर रात को जो है मैं आपको सुन के सोता था कि कहीं मुझे वो क्वेश्चन क्लिक हो जाए और उसका जवाब मुझे मिल जाए एक्चुअली वो क्वेश्चन है तकदीर के रिलेटेड Uh, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं हिंदू ठीक है आप मुस्लिम है अगर मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ कि आप मेरे दीन के अंदर शामिल हो जाओ आप ऐसे मुस्लिम मेरे दीन के अंदर शामिल नहीं हो क्योंकि आप एज ए बॉन्ड मुस्लिम हो इसी तरह मैं एज ए बॉन्ड जो हूँ वो हिंदू हूँ तो मैं आपके दीन में शामिल नहीं हो सकता लेकिन आपके कुरान के अंदर और आपका रब जो है वो ये कहता है कि मैं हिदायत देता हूँ जिसको हिदायत देता हूँ वो हिदायत याफ्ता हो जाता है तो मैं क्या आखरत के अंदर ये सवाल कर सकता हूँ कि मुझे मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मुझे हिदायत दी ही नहीं गई क्योंकि अच्छे काम सब क्रिस्टियन भी कर रहे हैं -गेट्स भी कर रहे हैं सब कर रहे हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं आखिरत में जाके कि मैं मैं इन नेकियों के ऊपर जन्नत में दाखिल किया जाऊं तो Christian मैं है? ऐसे प्रैक्टिकल जी जी सर क्रिश्चियन क्रिस्टन के लिए तो गेम बहुत आसान है क्रिश्चियन की बाइबल के अंदर ये स्टोरी एज इज द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ थॉट बाइबल के अंदर बहुत तफसील से मैथ्यू बुक ऑफ मैथ्यू में पढ़ाए एक्चुअली ओल्ड टेस्टमेंट तो भरी पड़ी है मगर मुझे नहीं पता पाकिस्तान के क्रिस्चियंस को ओल्ड टेस्टिमेंट किस लेवल पर पढ़ाई जाती है बहरत बिसाइड द पॉइंट बाइबल में है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है कि आप अमाल जितने मर्जी अच्छे कर रहे हो अगर कॉज ऑफ अमाल कॉज ऑफ अमाल सेंट्रलाइज ट वन गॉड नहीं है तो फिर वह अमाल क्रिस्चंस की फिलोस बता रहा हूँ मैं आपको मुसलमानों की नहीं बता रहा हूँ तो फिर वो अकारत है यू नो दिस इज नॉट एन ऑप्शन इन क्रिश्चियनिटी कि आप अल्लाह के अलावा किसी के लिए अमाल कर सकें ईसा okay? को सेंट्रल गॉड को सेंट्रल पोजिशन ही देते हैं ओके okay? अपने फलसफे में इसके अलावा किसी को ऑर्बिट नहीं कर सकते बहरहाल आपका सवाल जो है ना वो अगर वो टेक्निकल बात समझने वाला है तो फिर तो आसान हो जाएगी बात नहीं है तो उसको आसान करके भी बता दें कि अच्छे अमाल करना हदायत नहीं होती ओके okay, जरूरत होती है इंसानों की आपस में बेहदें बंदे भी आपस में रोज एक दूसरे को उठ के थप्पड़ नहीं मार रहे होते ओके okay? अच्छे अमाल करना नेचुरल ऑर्गेनिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है हदायत का ताल्लुक आखिरत के दिन से रिवर्स इंजीनियर हुआ है कुरान पाक में कुरान पाक में दुनिया में हदायत याफ्ता बंदे कमजोर भी मिलेंगे ताकतवर भी मिलेंगे ठीक है गलती करने वाले भी मिलेंगे जो दुनिया में कोई कोताही कर सकते हैं और आप ये नहीं कह सकते कहो देखे कि भाई इस पर तो हदायत नहीं इसमें कोई एक गुनाह किया हुआ ऐसा नहीं हो सकता हदायत इज रिवर्स इंजीनियर इवन इन क्रिस्टानिटी स्पेशली इन दौरा एंड जब अल्लाह कहते हैं मैंने हिदायत का फैसला करें तो वो आखरत, की रिवर्स करते हैं। कि वो आखरत की बिना पे यमुद्दीन की बिना के ऊपर दुनिया के अंदर मामला अपने सेटल करा है कि यार वहाँ पर सजा हो जाएगी वहाँ पर इसका जजा मिलेगी ठीक है इसको हिदायत कहते हैं ठीक है राह आप मेरी बात सुन रहे हैं आप म्यूट पे तो नहीं जा सकते मैं इतनी म्यूट किया आपको सर आ मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को एनफोर्साइज कर दूं एक्चुअली मैं uh, मैं question... आपसे पहले आ, पहले जी, आप जी, मुझे ये वाला जवाब दें कि क्या हिदायत का लफ्ज आपने उसको बोला या उसने आपको बोला है सर उन्होंने मुझे बोला कि आपके जब मैं उन्होंने मेरी वजह से कुरान शरीफ पढ़ा तो उसमें हिदायत काफी दफा जिक्र था तो जब वो इस डिसीजन के ऊपर पहुंचा कि हिदायत अल्लाह देता है तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया कि जितने मुस्लिम्स यहाँ पर हैं अगर मैं ये क्लेम करूँ कि मुस्लिम दीन जो है इस्लाम दीन जो है वो बरहक नहीं है मैं कहूँ कि हिंदुज्म बरहक है तो आप मेरी ये बात नहीं मानोगे ठीक है इसी तरह मैं हिंदू हूँ एज ए मुस्लिम मैं आपके दीन को बरहक नहीं मानूंगा ठीक है तो आखरत के अंदर इस चीज़ का फैसला क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे हिदायत मिली ही नहीं और मेरे जैसे जितने हिंदू हैं उनको हिदायत मिली नहीं नहीं तो कुरने पाक में ही लिखा हुआ है ना और बाइबल में भी लिखा हुआ है ठीक है कि अल्लाह ताला डिवाइन तरीके से हर बंदे को प्रेजेंट कर देंगे हिदायत अल्लाह ताला ने हर बंदे को वन ऑन वन प्रेजेंट करनी है वो क्या है वो निशानी है ना सारी वो सारी की सारी निशानी है कि उठो देखो तो सही कि क्या चल रहा है तुम्हारे आस पास ओके कुरान पाक तो हिदायत इसी को कहते हैं ना कि तो जो उसको मिल जाए कि हाँ समिंग किसी ने तो बनाया ये कहीं से तो आ रहा है सारा का सारा मामला कहीं तो जाना है हमने समझ रहे क्रिश्चियन से तो बात करना बहुत ही आसान है क्रिश्चियन और हमारी डॉक्ट्रिन एक ही है है वो ना अलग बात उन्होंने सेंट्रल को तीन sun, right? वो अलग बात, पिलर किया है। मगर फिलोसॉफिकलेशन तौर तो से लेते हैं वो, तो पा, कुरान पाक ने भी वही कि रिकॉगनाइज किया था अल्लाह को ही मानने वाले हिंदू भी उसी अल्लाह को मानने वाले हिंदुओं ने ट्रेजेक्ट्री के अंदर ट्रैक्स बनाए हुए हैं शिर्क के हिंदू भी एक ही रब को मानता है याद रखिएगा ये जब भी कोई कहे ना हिंदू हक पे हैं या वो हक पे हैं तो उन्हें कहें जो गुनाह हिंदू कर वो मुसलमानों के अंदर भी है मुसलमान भी कर रहे हैं वो शिरक मुसलमान नहीं करते ये बहुत ही सतही और बड़ी निचली किस्म की डिस्कशन है कि कौन सा दीन बरहक है जो अल्लाह को मानने वाला दीन है वो बरहक है चाहे वो क्रिश्चियन हो या यहूदी हो या मुसलमान अब क्या मुसलमानों ने शिरक किया तो हाँ क्रिश्चियन इस तरीके से शिरक करता है मुसलमान इस तरीके से नबे इस्लाम के साथ शिर करने वाले मौजूद हैं लाखों की तादाद मौजूद है वो भी हिदायत पे तो नहीं है समझने को जब इसलिए कि मैंने कलमा पढ़ लिया मैं बचाऊंगा नहीं शिर वाला नहीं बचेगा चाहे तू कलमा पढ़े सौदभा पढ़े कादयानी भी कलमा पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते जो टैलेंट तोड़ देगा वो कलमा बेशक चढ़ता रहे आके जब उसने बेसिक टैलेंट तोड़ दिया सो so, गलत एंगल से पकड़े हैं कि हिंदू हो या क्रिश्चियन हो अल्लाह को मानना है तो हिदायत आ गई है अब अल्लाह को आगे अल्लाह ने कुरान पाक में पी एच डी कराई है या बैचलर के पी एच डी कराई है कि तुमने वो वाली चीजें भी ऐड कर दी हैं जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह ने खुद मना की हुई थी तुम्हारे पॉल भाई साहब ने वो एडिशन करवाई है जो कि असल में महतीसा ने नहीं बोली थी पॉल के और जेम्स के मुनाजरे लिखे हुए पाए जाते हैं इन्हीं की किताबों में उन्हें पढ़ा है कि जेम्स जो कि

वो से दूर हुए अभी की अपने philosophical, in, थी सोचने की कोशिश करें इसलिए वो वाली चीज मत सोचें कि हिदायत का मतलब है कि मैं मैं मुसलमान हूँ नहीं हदायत का मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ हिदायत का मतलब है कि तुम इस्लाम के उन टेंट्स के ऊपर पूरी तरीके से कार फरमाओ अदरवाइज इस्लाम की बिना अपने कलमे की बिना पे बचने नहीं वाले तुम तो उधर वहां पे करने वाले ही पकड़े जाएंगे और क्यों क्योंकि उन्होंने मेजर शिरक किए हुए होंगे ठीक है और अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस के बारे में कुरान पाक में आयत लिख के दी हुई है कि इनमें से कुछ लोग फितने के डर से छुपे असल में हिदायत पे आ चुके हैं क्रिस्चियनिटी नहीं छोड़ी मगर फितने के डर से के हम क्रिश्चियन छोड़ें मगर तो के ऊपर आ चुके हुए हैं सोचें तो सही हम किस तरीके से किसको ये वाला लफ्ज बोलें बोले हिदायत ना उसको सिखाए उसको ओरिजिनल साहबा वाला हिदायत पकड़े नबी नबीम ने तो यहूदियों को भी उनकी किताब पे लौटाया कि यार तुम्हें हमारी किताब नहीं समझ आई तुम अपनी पढ़ लो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन का फर्क है जाओ। मैं की आयत सुना रहा हूँ आपको लेने काम ही आयते लेने काम पूरे कर लो वो तो तुमने करप्ट नहीं किया तुमने तो अपना कैदा करप्ट किया तो ठीक है समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ओवरऑल मामले के अंदर एक क्रिश्चियन की वैल्यू कितनी ज्यादा है मेरे आगे एक यूदी की वैल्यू कितनी ज्यादा On, on, on uh, like मुसलमानों के करीबी बल्कि बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है वो जो अकीदे के ऊपर आती है वहां पर यहूदी और क्रिस्चन और मुसलमान आपस में मुंफरिद हो जाते हैं मैंने जन ओवर सिंप्लीफाई किया है ताकि ये ना हो आप समझें कि बाइबल के अंदर जितने भी अकामाम है वो दुरुस्त हैं पॉल ने तो आके बुलेटेंट रिफ्यूटल ही दे दिया था ना कि नहीं मूसा की सारी शरीय कैंसल टॉमस बेचारा चीखे मारता रहा कि क्या तूने नहीं कोई पंगा खोल लिया ईसा तो कह रहे थे कि मैं लेटर लेटर बाय बाय जॉट जॉट को फॉलो करूंगा सो so, काफी सारी टेक्निकलिटीज है नीचे इसको ओवर सिंप्लीफाई मत कीजिएगा मगर एज अ क्रिस्चिन ही शुड नो कि हिदायत असल में क्रिश्चियंस के बिल्कुल पास जुड़ी हुई थी पहले इवन हिंदुओं के पास भी हिदायत थी बीच में उन्होंने खुदा और भगवान ऐड किए नहीं तो सेंट्रलाइज डेफिनेशन पे वो भी पे ही थे ठीक है अब तो हीद के ऊपर की बात करें अब तो हीद को मिक्स किया उन्होंने करते करते वो नूब की स्टोरी में अल्लाह बताया ना कि इंसान तो मिक्स करेगा ही करेगा तोहीद को मिक्स करेगा इससे बचाने के लिए मैं नबी भेज जा रहा हूँ कि अपने आप को कर हदायत असल में तो का नाम है याद रखिएगा अल्लाह तला को अल्लाह की तरफ से लाने अब हमने एक स्टिपुलेशन ऐड की कि तमाम अम्बिया तमाम अम्बिया को मानना जरूरी है क्योंकि एंजल्स को तो ये भी मानते हैं हम भी मानते हैं बुक्स को यह भी मानते हैं हम भी मानते हैं ये सिर्फ आखिर सलाम को नहीं मानते हम कहते हैं कि नहीं है, नहीं है नहीं हो रही हैं या, है या, है या कि किताब कौन सी ज्यादा ठीक है किताब में देखो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं मिल रही क्रिस्टियन जूह से सिर्फ बुक टू बुक आप डिस्कशन करेंगे क्योंकि बाकी के टेनेंट्स के ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक और यूनिटेरियंस वो तो ये भी मानते हैं कि हतीसा अल्लाह का बच्चा ही नहीं है वो तो अल्लाह का नबी है मगर आखिरी नबी है और बहुत बड़ी तादाद में थर्ड बिगेस्ट रिलीजन इन दर्ल्ड हो गया सो so, इस नारा के आप ये कहें हदायत सिर्फ इस तरीके से होगी कि जो मेरी मर्जी की चीज़ों के ऊपर लिस्ट आएगी हदायत अल्लाह तला ने जिस तरफ गाइड करना है जिस मरने को वो अगर तोहिद के ऊपर खत्म नबूत के ऊपर फोत हो रहा है हमारे हमारी टैनट के अंदर है कि वो वो बच जाएगा इनशाला ठीक है बाकी के काम उसके ठीक नहीं होंगे तो फ्राय जरूर होगा मगर ओवरऑल बच्चे का कि यार, उसकी सारी की सारी कॉजेशन जो थी ना वो अल्लाह के लिए थी मतलब मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ ठीक है सो आई होप यू गेट द बेसिक प्रॉब्लम कि जो हम दावत के अंदर क्रिश्चियनिटी को या जोध को जब दावत दे रहे होते हैं तो हम ब्लेटेंटली उनको काफर समझ रहे होते हैं वो काफर नहीं है हिंदुओं को हम ऐसा समझते हैं कि इनको बिल्कुल इस्लाम से सबसे दूर रिलीजन जो वो हिंदू है नहीं ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम से इतना दूर नहीं है इतना कुछ है इस्लाम का कि मैं आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हिंदुजम के कोर टेनेंट्स के अंदर स्पेशली वेद के अंदर कि आप कहेंगे ये तो से लेते हैं डायरेक्ट वो अलग बात है नीचे आगे पंडित ने दो नंबर की है फिर बड़ा कुछ ऐड किया मगर ओवरऑल इनके टेनेंट्स के अंदर हदायत के सरचस्में खुले हुए हैं नीचे नलके बंद हैं तो कोई बात नहीं खोल देते हैं नलके यू यू कैंटस वो वाला बच्चों बच्चों वाली साइकोलॉजी जो कि हमारे अम्मी अबू ने सिखाई हुई ना कि नहीं वो मुसलमान नहीं है तो बस सारा कुछ ही गलत है उसका ऐसा कुछ नहीं है द बाइबल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लिटरेचर ब्रेटेंटली रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस वन मैन ओनली खैर टू मैन ओनली बट मेजरली सत्रह में से चौदह किताबें एक बंदे की हूँ तो मैं अट्ठाईस uh, सत्ताईस uh, में से चौदह किताबें एक बंदे की हूँ तो मैं उसी को मूंगा ना मैं पॉल की बात कर रहा हूँ अदरवाइज Uh, there is so much that uh, Christianity represents that we can actually use uh, for even establishing a Jewish uh, resurrecting the Jewish philosophy right. Okay, Jewish philosophy do so it's a, it's it's a very useful uh, book. काफी सारी है तेरे पास पहले से थोड़ी सी जो है ना वो खड़पेंट पॉल ने वो हटा दे वो आम बंदीसा को, को देखा भी नहीं है ठीक है तो ये एक कॉमन सेंस का था कि जिसने एक बंदे को देखा ही ना हो उसकी बेस के ऊपर तो नहीं तुम आनेगा जिसने देखा है वो उल्टी बात कर रहा है तो तू वहा हिदायत ले तू कुरान से ना ले तू जेम्स से हिदायित ले वो भी सेंट ही है तुम्हारा ठीक है सो काफी हद तक पहुंच जाएगा वो उसके बाद फिर कुरान पाक की वैल्यू समझ आएगी कि अच्छा ये तो बिग ग्रैंड ग्रैंड स्कीमा की बात हो रही है कुरान पाक ने तो वो वाली चीजें डॉक्यूमेंट कर दी हुई है जिसमें कॉज बता देते हैं कि यार ये सिर्फ क्रिश्चियन नहीं आइंदा भी तुम करोगे यू आर गोइंग टू पुट कैफ की आखिरी आयत क्या है मुसलमानों के लिए है ना अल्लाह ताला तला नबीम के थ्रू मुसलमानों को कहवा रहे हैं कि कुल मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा बे कोई शक नहीं है बाशि मिस लुको मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूँ तो गली गलती ना करना चैंसाइयों तुम कर ने कर तुम्हारे जैसा आदमी हूँ कुछ और ना बना देना मुझे ठीक है अब अब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा था कि क्रिश्चियन ने क्या शिरक करना और मुसलमानों ने पीक किया आई होप यू थ्रू

अल्लाह ताला को डिपेंडेंट किया ना हम नहीं करते हम को अल्लाह उस समाध करते हैं तुमने अल्लाह ताला को बाप बनाया हम नहीं बनाते लम यलिद व लम ना बच्चा पैदा करता है वो ना किसी का बाप है ना किसी की औलाद है वो ठीक है सो इट्स अ इट्स अ वेरी सिंपल चाबी जो के नबी इस्लाम ने क्रिश्चियंस को दी कि बस ये चाबी घुमाओ सूरह इखलास की बाकी सब इनको अगर ये रह भी गए ना तो आ जाएंगे आई होप आई होप आई डिड नॉट I I hope I did justice to the mindset that this boy is suffering from जो कि आपके सामने होता है आप मेरे से फिर भी बात करते रहें इस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट ये याद रखिएगा जितनी मर्जी आप आर्ग्यूमेंटेशन देने और जितना मर्जी कोई कुरान पढ़ ले उसको ये बात बता देना बस जाते जाते ये बात बता दूँ कि कुरान पढ़ने से हिदायत नहीं आती नबीसलाम कि आखिर नबी मानने से हिदायत नहीं आती सीरा पढ़ लेने से हिदायत नहीं आती हिदायत अल्लाह तला की तरफ से हुक्म के थ्रू आती है लोग कुरान पढ़ के भी गुमराह हुए हैं तो तू बेशक पढ़ ले मैं तुझे ये बता रहा हूँ जिस दिन तुझे ये पता चलेगा मैं किस को हिदायत कहता हूँ तो क्या पता वही तेरी आवाज़ें तेरे अंदर से पहले से आ रही हूँ और अल्लाह ने तुझे नहीं है तो उसको बोलें कि अगर तू अल्लाह ताला को यकता मानना शुरू हो गया है ना किसी का बाप मानता है तू ना किसी का बेटा मानता है और अल्लाह को समझ मानता है तो ठीक है तू हिदायत के ऊपर आ गया बस आगे बाकी की कहानी पढ़ने के लिए अपग्रेडेड वर्जन अल्लाह ने लिख दिया अब तेरी किताब का मेरे पास पढ़ा तो बाकी की चीज़ें पढ़ बाकी की चीज़ें तो उसी तरीके से समझ आएंगी जितनी क्रिस्ट को को लाइम लाइट में कुरान लेके आया कोई मिलना जोदी तो नाउबिल्ला तुमते लगा रहे मरियम पे और को गाली नहीं दो ऐसी हस्ती हैं जो अल्लाह ताली का पास ये है पीक ऑफ द पीक मरियम से ऊपर कोई औरत नहीं जा सकती क्रिस्स तो खुश होते हैं कि कुरान अगर मरियम पे है तो कुरान पाक से आके सीखते हैं तो इस बाइबल में बाय द दरब मरियम के किसी लेवल के ऊपर कोई तबसरा नहीं है कुरान पाक ने तब्सरे ऊपर तबसरे ऊपर तब्सरे किए हैं हज मरीम पे सो it's 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 not a, uh, it's not not a a such complicated diagram okay going to, going to to the detail of Christianity through through their own books not just through your book आपकी बुक पे प्रेजिड रखी हुई है मैंने भी you know भगवत गीता के ऊपर थोड़ी प्रेजिडस रखी है खोलूँगा ना मैं भी मैं तो नहीं कहूँगा अच्छा हदायत के लिए खोलिए मैं तो इनफॉरमेशन के लिए खोलूँगा चीन का एंगल क्या है समझ समझने उसको कहें भैया तू अपनी किताब इस नीयत से खोलता है तू अपनी किताब ही खोल बस मेरे किताब को अपनी किताब के अंदर ढूंढ मैं तुझे अपनी आयतें बताता हूँ तेरी किताब के अंदर तब तुरी पता चलेगा वो हिदायत की आयतें तेरी किताब में हैं ये नहीं कि मेरी आयत तेरी आयत मिल गई नहीं हिदायत की आयतें बताता हूँ जो मेरी कुरान में भी हैं वो ही तेरी उसके अंदर भी हैं उसी तरीके से ओके क्योंकि मार्क ने सेव किए हैं मैथ्यू ने भी कुछ सेव किए हैं मैथ्यू इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन माय इन माय व्यू बड़ा कुछ मिल जाता है बुक ऑफ मैथ्यूज के अंदर लेटर बुक्स के अंदर तो सो आई होप जो कि मुसलमानों और क्रिश्चन को आपस में कैलिब्रेट कर देता होता है सो जैसे कुर्सी फिक्शन की अगेंस्ट पूरा पूरा मवाद है उसके अंदर ठीक है मैं ओल्ड टेस्टमेंट में जाता तो बहुत ज्यादा वो पढ़ता होगा तो फिर तो बहुत ज्यादा कुछ है जो कि कुरान लिफाक आप एज बताते हैं ये ले तू तो टेन एट से उठा ले बाकी बात करते हैं नबीलाम के ऊपर सेपरेटली बिगेस्ट नीड ऑफ द टाइम नॉट जस्ट दैट टाइम पर टाइम टू कम रात करेंटिल फीलिंग नहीं आप बात कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूट हो गए होंगे जी मेरे पास uh, सिर्फ पांच मिनट और रह गए क्वेश्चन सारे मरदा से ही बात हुई है ना

बनाया हुआ लेकिन ये कि इमोशनली मर्ज जो है उसको किस तरह से डील किया जाए और वो हो भी हस्बैंड मर्द क्या होते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन उनको लेकिन जो है एक मर्द उनके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है आप एक तरफ उनको स्ट्रॉन्ग कह रही हैं फिर दूसरी तरफ उनको वीक कह रही हैं पहले तो ये बताएं आप क्या समझती हैं हैं वो वीक होते हैं होते या हैं सर स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे आपकी पर्सनालिटी है लेकिन वो जो है ना वो एक बंदे को मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा वीक है इमोशनली उनको खौफ है फियर है जिसकी वजह से वो जो है ना स्ट्रोंग पर्सनैलिटी नहीं है इमोशनली दिस इज माई क्वेश्चन इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है क्वेश्चन क्या है ये तो आपने एक बंदे की कहानी सुनाई है मुझे क्वेश्चन क्या है सर आप बस इतना बता दें इमोशनली वीक मर्द को डील की, कैसे किया जाए अच्छा आप किसको किस चीज को, किस का कोई इंडिकेटर बताएं हजार मसाइल हैं जिनको इमोशनल वीकनेस बोलते हैं उन भाई साहब ने क्या सबूत दिया कि वो इमोशनली वीक हैं आपका नाम क्या है हेलो ऐसे जनरली नहीं आप बोल सकते इमोशनली वीक क्या वो ही क्रम्बल्स इन द मोमेंट कहीं मौके पे आता है तो डिसीजन नहीं ले सकता या फिर वो रोता रहता है हर वक्त या फिर वो किसी ऐसे मामले को जो कि आपके थ्रू आपकी आप की बिना पे या आपकी तरफ लौटाया जाता हो तो उसमें वो हमेशा दो नंबरी करता है या डील नहीं कर सकता मतलब इमोशनली वीक का क्या मतलब है आपका मुझे समझाएं और मर्द इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ये कहीं ये मफरूजा गलत है आपका औरतें इमोशनली स्ट्रांग होती हैं याद रखिएगा मर्द इमोशनली स्ट्रांग नहीं रैशनली रैशनली ज्यादा डेवलप कर दिया गया हुआ है औरत भी की जा सकती थी बट देर इज नो डाउट इन माई माइंड ये मर्द और औरत का इस दौर में भी कोई मुकाबला नहीं है मर्द बहुत आगे की बाजी लेके जा रहा है स्ट्रॉग है वो वो गलत है और सही है ये बहस नहीं मैं कर रहा हूँ मैं इस वक्त स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ वो गलती में भी उतनी बड़ी स्ट्रेंथ पकड़ेगा होगा जी काफी सारे लोगों को मैंने अनम्यूट के लिए कहा है ये सवाल मैं जवाब देने से सकता इसलिए आई जस्ट वन अब्दुल हादी जी मैं जी मेरा नाम नौशीन जी नौशीन जी अच्छा साहिल मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मुझे नौजवानों में जैसे मेरे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं बेटी एटीन ईयर्स की है बेटा फिफ्टीन ईयर्स का है तो जो हमारे यूथ है उन वो लोग जो है ना वो अभी से क्रिप्टो करेंसी और बेटकॉइन जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं तो मे मेरा ये है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करें मुझे पता है आप फतवे नहीं देते मगर अम, हम लोगों को कुछ ऐसी दल, दलीलें चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को ये कन्विंस कर सकें कि जो है ये सही चीज़ नहीं है या ये क्यों सही नहीं है क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना अभी वो ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं अगर हम अभी उनको रोक देंगे ना क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी देखती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों में बड़े तो हैं इन्वॉल्व मगर बच्चे भी बहुत होना शुरू हो गए तो मेरा ये एक कंसर्न है कि अगर हम बच्चों को अभी से ये नॉलेज देना शुरू कर दें कि ये चीज़ सही नहीं है या ये क्यों सही नहीं है या आप ये क्यों नहीं करें तो इसमें आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए अब आपको क्रिप्टो करेंसी जैसी वाइड स्प्रेड वायरल चीज का भी वायरल आंसर नहीं मिलता जी अच्छा एक और बात है मैं जब इसके ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ तो मैं मौलियों को भी देखती हूँ बहुत सारे मैंने लेक्चर सुने हैं उसमें बहुत सारे जो मौलवी हैं ना वो खुल के ये बात बोलते नहीं है कि ये चीज जो है वो सही नहीं है या ये सही है वो कहते हैं जी ये ग्रे है आपकी मर्जी है आप कर लें आपकी मर्जी आप नहीं करें तो हम मुझे ये कि मैं कहाँ से मैं क्योंकि आजकल काफी रिसर्च कर रही हूँ ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी मुझसे बोलना शुरू कर दें कि मुझे ये बाय करनी है या कुछ करना है तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी आप अगर गाइड करते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको ये बात बता देता हूँ कि आपका नाम क्या था नौशीन नौशीन आपको इतनी सी बात बताऊं कि यू यू ट्रीट क्रिप्टो करेंसी एंड द टेंडेंसी टुवर्ड्स गोइंग टू क्रिप्टो करेंसी एज एन इंडिकेटर ऑफ अ वे बिगर स्टॉर्म दैट इज कमिंग ओके यस आगे का देखें इतना बड़ा तूफान आएगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट मनी मतलब एक सिंगल एंटिटी है एक सिंगल लेयर के ऊपर अफेक्ट करती है खैर करती तो बहुत डीपर लेयर पे आप ऐसे एक दफा आ जाए तो बट यू नो आपकी इसकी डोपोमिन वैल्यू जरा कम होती है काफी सारी चीजें जो पैसे से ज्यादा डोपोमिन वैल्यू रखती हैं And going to see कि अभी आपके बच्चे मेटावर्स की तरफ जब एंटर होंगे तब तो आई किसी और लेवल पर जाएगी क्रिप्टो बहुत छोटी सी और बहुत बड़ा स्वाब लग रहा होगा बहुत छोटी सी एक चीज लग रही होगी जस्ट अनदर एग्जाम्पल के हमारे पेरेंटिंग मॉडल फेल हो गया आई एम नॉट हॉकिंग हराम है, या है क्या पता है वे वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द वे वी डिड नॉट कॉम्प्रीहेंड एंड स्टिल वी वेंड इन टू इट्स मसला ये नहीं है कि वो हराम में हलाल है हंड्रेड परसेंट ये पता है कि नाइनटी नाइन परसेंट लड़के और लड़कियां जो क्रिप्टो में जा रही है मुसलमान उनको ये पक्का पता नहीं था कि वो हलाल है कि हराम है फिर भी दे एंटर्ड ये है इस्लाम का लेवल उन बच्चों में उन लोगों में अपने आप को जबरदस्ती जस्टिफाई करके गए हैं कि नहीं क्या पता हलाल हो क्या पता हमें कोई आंसर तो नहीं मिला आंसर ना मिल रहा हो तो काम कर लेना चाहिए ये कौन सा आपको मतलब अल्लाह का डर क्यामत की और आखिर की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हराम है क्या पता हलाल हो But I I don't don't do do it because because couldn't get an answer. Right? There are so many things that you do you know we're not sure. <laughs> आप सोचें कालक कितनी है कि नबी इस्लाम ने जिस चीज को इंडिकेटर के तौर पे बनाया था उसको ही हमने तोड़ दिया मीटर इंस्ट्रूमेंट इस्लाम के साहबा ने कहा अगर पता ना चले कि उस चीज हराम है हलाल तो क्या करूँ नबी इस्लाम ने शाम दिल से पूछ लिया करो इनके सब के दिलों ने ऐलान किया है जमहूर यूथ ने ऐलान किया है कि हलाल है

वो मेरे पास आते हैं कि मामा अगर ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है क्योंकि हम लोग काफी ओपन हर चीज में बातचीत करते हैं तो मुझे ये कि मुझे yeah, पता चाहिए कि मैं इसको किस तरह से डिपेंड करूं कि ये सही नहीं है अभी तक उन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया बट उनके जो सराउंडिंग्स में फ्रेंड्स हैं या बाकी लोग हैं वो यकीन वो वही वाली बात है कि पियर प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर वो आके क्वेश्चन करते हैं तो मुझे थोड़ी सी गाइडेंस इसलिए चाहिए कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से ये चीज समझाऊं अभी तक इन लोगों का कोई ऐसा हो नहीं है मगर मुझे नॉलेज चाहिए अपने अपने बच्चों बच्चों को सही करने के लिए या अपने बच्चों को सही सही गाइड गाइड करने करने के 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 लिए लिए या फ्रेंड्स पे बहुत, yeah, बहुत yeah, ज़्यादा yeah, डिबेट है शायद आपको नहीं पता पेरेंट्स जो है ना वो वर एम संगल

बताना तो मुझे चाहिए बट इस क्या लेना है अगली नस्ल ने क्या चीज नैचुर बाई बर्थ इंजॉय करनी है जिसके आपके और मुझे अभी तैयारी तो जीरो की बेसिकन स्टार्ट डूंगो इजॉलरशिप

मुझे एक क्वेश्चन के लिए कहा है फ्रॉम गाय लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्हादी अमाल सर वाल सलास सर मेरा सवाल यह है कि मैं uh, साल मेरी एज है और इस्लाम के हवाले से काफी सारा कुछ सीखना शुरू कर दिया और काफी अर्से सवाल मेरा ये है कि इस्लाम की बात अपने अपने सर्कल्स में कैसे करूं? मैं अंदर ये ताकत नहीं मतलब अपने अंदर इतनी ताकत इस सर्कल में आप, आप इस्लाम की बात नहीं कर सकते सर जिस तरह मेरे कजन के अगर सर्कल में मैं बैठा हुआ वो कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं अगर वो बीच में कुछ गलत बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें इस्लाम का एक परसपेक्टिव देना चाहता हूँ या किसी

कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्कशन करनी है यू नो दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव टॉपिक एंड इट डज नॉट रियली फुट योर फीट ऑन एनी बड़ी स्टोल तो ये मत करें कि आप यार ये तो इस्लाम में गलत है ये तो तुम बात करो ये इस्लाम में गलत है इस तरीके से स्टार्ट नहीं करते लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को सबसे पहले उनके गार्ड्स डाउन करने होते हैं उनके कान खोलने होते हैं ठीक है लोगों को जब डायरेक्टली आप ना से स्टार्ट करेंगे तो लोगों की फर्स्ट डिस्पोजिशन चाइल्ड लीगो की होगी चाइल्ड लीगो हमेशा जिद्दी तौर पर ना होता है ओके okay, किसी दिन बताऊंगा ये तीनों ईगो स्टेट्स क्या हैं तो राइट ईगो अल्ट ईगो ट्रिगर करते हैं डल्ट ईगो जो है ना वो क्यूरोसिटी के थ्रू ट्रिगर किया जाता है जिसके लिए ज़्यादातर लोग लो स्टोरी सुनाते हैं या क्वेश्चन शुरू करते हैं सो डोंट एवर स्टार्ट विद टेलिंग देम ओ ये तो गलत है ये तो गलत है ऐसे नहीं बात करते तो ये मौलवी इसीलिए इस्लाम से दूर भगा रहा है हमें इसको ये नहीं पता कि पहले लोगों को इस्लाम में एंटर होते हैं अगर बाहर भी निकालना है तो लोग इस्लाम में एंटर नहीं हो रहे तो बाहर निकाले जा रहा है सो यू डोंट डू दैट ओके डोंट मेक दैट क्रिटिकल मिस्टेक लोगों को अगर गलती से या जना से या चोरी से या झूठ से या गीबत से दूर करना है तो उनको अल्लाह के करीब करना है ना खुद ही ये बाकी चीज़ें दूर होंगी इनसे दूर करके कोई अल्लाह के करीब नहीं आता याद रखिएगा अल्लाह से करीब करके ये सब चीज़ें खत्म की जाती हैं अपना मेंटल बैलेंस जरूर रखें सो यू टॉक अबाउट द बिग थिंग विच आर एक्साइटिंग How the whole, you know, uh, of things actually directs you towards Allah Subhanahu Wa Taala. Even the civilizations, उड एंड आप बात करेंगे लोग आपके साथ भी बातचीत किया करें और उसमें सिर्फ अल्लाह डिस्कस होना शुरू हो जाएगा छह आठ हफ्ते के बाद देखेंगे आप लोग गुनाह की बातें करना बंद कर चुके हैं ठीक है अगर आपने ना ना करवानी शुरू की ना तो वो आपसे तो दूर भागेंगे वो छठ साल तक करते रहेंगे और आपके प्रेजेंस भी नहीं करेंगे बाकी हर जगह कर रहे हो ठीक है सो यू एड्रेस कॉज You don't address people okay don't talk to people talk to their fascinations or fears okay i hope i've answered the bigger part of your question i have another session and that's a good question by the way it is a very pertinent question for everybody so i hope uh, this was a session which is uh, going to fetch bigger benefits to all of our arsenal inshallah thank you so much everyone for participating